ओके सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो आपको सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा जो जो टाइम पे आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टाइम। एंड मेरे तरफ से और मेरे टीम की तरफ से थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहूँगा कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ा, है ना। वेट करना हम किसी को भी अच्छा नहीं लगता है ना, चाहे वो लाइन में खड़ा होना है या कहीं पर बैठ के वेट करना है कोई इवेंट चालू होने के। लेकिन थोड़ा वेट हमको इसलिए करना पड़ा क्योंकि हम जो बातें बताना चाहते हैं आज वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स लोग तक पहुँचे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था इस यू नो ओरिएंटेशन को रखने का। आज देखिए इसके पीछे कोई एजेंडा नहीं है, आप हमारे साथ में यू नो जुड़े हुए हैं, 8, 9, 10th में स्टूडेंट्स है, बहुत सारे बच्चे आज 10th में हैं। इसका रीज़न क्या है ये ओरिएंटेशन रखने का कि हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे पाए कि 10th के बाद में क्या होता है, किस प्रकार बच्चे हो पेरेंट्स हो अपना करियर कैसे प्लान आउट कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स दैट यू कैन यूज़ टू प्लान योर करियर्स, राइट। सो इट इज़ जस्ट अ ट्राई टू हेल्प यू टू मेक योर करियर डिसीजंस बेटर, कि करियर डिसीजंस आप बेटर वे में ले पाए, इसका हम एक ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते, तो मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम आशुतोष अनंत है, मैं यहाँ पे एज अ एजुकेशन काउंसलर अग्रवाल क्लासेस में पिछले 4 महीनों से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। इसके पहले मेरी एक बहुत लंबी जर्नी रही है कॉरपोरेट सेक्टर में और साथ ही साथ साइकोलॉजी सेक्टर में। तो एजुकेशन में मैं 2018 से हूँ, चंद्रपुर से पहले मैं पूना में था और हूँ मैं बेसिकली चंद्रपुर से ही। तो ये मेरे कुछ यू नो सर्टिफिकेशंस एंड एजुकेशन है जो मैंने किया हुआ है। तो मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि आई एम अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर और करियर के बारे में गाइड करने के लिए मैं एक बोल सकते हैं कि अब एक्सपर्ट हूँ, कोई नॉर्मल काउंसलर नहीं हूँ, एक सर्टिफाइड काउंसलर हूँ। तो जो मैं आपको बताऊँगा वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रिसर्च की हुई, अपडेटेड और साथ ही साथ आप जिस पे ट्रस्ट कर सको, ऐसा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, ठीक है। अब इस सेमिनार में हम जो आए हैं तो हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले, व्हाट आर वी गोइंग टू सी इन दिस सेमिनार। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू फोकस ऑन 4 टॉपिक्स, 4 टॉपिक्स पे हम लोग फोकस करेंगे और मैं चाहता हूँ कि ये सेमिनार इंटरेक्टिव हो। अब यहाँ पे कोई क्लास नहीं चल रही है कि हम क्लास अटेंड कर रहे हैं तो हमको पढ़ना है या ऐसा कुछ, ये एक डिस्कशन के जरिए हम लोग इसको करें। आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट पूछना है या आपको कहीं पे कुछ बोलना है, चाहे स्टूडेंट्स हो या पेरेंट्स हो, आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं और हाथ खड़ा करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए और हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये डिस्कशन से फ़ायदा क्या होगा, ये डिस्कशन से फ़ायदा बाकी पेरेंट्स को बाकी स्टूडेंट्स को होगा। हो सकता है कि एक क्वेश्चन 4 लोगों के दिमाग में है लेकिन पूछा किसी एक ने, लेकिन प्रॉब्लम 4 लोगों की सॉल्व हुई, है ना। तो इस वजह से क्या है कि हम ये इंटरेक्टिव सेशन रखने से हम ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, राइट। तो आज क्या फोकस करने वाले हम कि व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 10th के बाद आगे क्या, इसके बाद में ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न करियर्स कौन कौन से है। अब क्या होता है ट्रेडिशनल करियर्स मॉडर्न करियर्स, जब हम उस स्लाइड पे जाएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स की क्या साइकोलॉजी होती है करियर को लेकर के, हमारे जो इंडियन सिनारियो है बचपन से हम लोग ग्रो करते हैं तो हमको किस प्रकार ग्रोथ मिलती है, क्या सोचते हैं, क्या होता है, वो चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दुनिया कहाँ जा रही है, राइट, क्योंकि जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं तो अब हमको यही नहीं पता कि करियर ट्रेंड्स या दुनिया कहाँ जा रही है हमको नहीं पता, तो हम डिसीजन मेकिंग कैसी कर पाएंगे। तो हम लोग वो भी देखेंगे कि वेयर द वर्ल्ड इज हेडिंग एंड दूसरे अलग अलग करियर पाथ कौन कौन से है, डिफरेंट करियर्स, एंट्रेंस टेस्ट कौन कौन सी है, उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉलेज इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको इसमें मिलेगी, ठीक है। तो आप सब लोगों को पता है कि 10th के बाद में हम लोग इस सेमिनार में इस प्रेजेंटेशन में बेसिक से एडवांस की ओर जाने वाले हैं, तो हो सकता है कि शुरुआत की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी, ठीक है। तो 10th के बाद में व्हाट डू वी हैव 3 ऑप्शंस टू चूज इन, राइट, साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स। आप सब लोग को पता है कि 10th के बाद कोई बोलेगा कि मुझे तो साइंस लेना है, कोई बोलेगा मुझे आर्ट्स लेना है, कोई बोलेगा मुझे कॉमर्स लेना है। तो ये साइंस आर्ट्स और कॉमर्स होता क्या है, इससे क्या आउटकम मिलता है, मैं कुछ लैंग्वेज का यूज़ करूँगा, आउटकम, आउटकम मतलब होता है रिजल्ट,
रिजल्ट मतलब रिजल्ट नहीं, तो फिर मैं रिजल्ट शब्द का यूज क्यों नहीं, क्यों ना करूं, आउटकम का यूज क्यों करूं? क्योंकि रिजल्ट तो होता है कि पास हो जाना, आउटकम का मतलब है कि अच्छे से पास होना, अच्छा रिजल्ट, आउटकम मतलब है अच्छा रिजल्ट। रिजल्ट मतलब सिर्फ पेपर वाला रिजल्ट नहीं, प्रोग्रेस वाला, जिंदगी का रिजल्ट। ठीक है, तो आज जो भी चीजें हम कर रहे हैं, आज जो भी एफर्ट हम कर रहे हैं, आज जो भी सेमिनार हम अटेंड कर रहे हैं, इस सेमिनार की साइकोलॉजी सीखने से हमारे डिसीजंस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे हमारा कुछ आउटकम चेंज हो सकता है। यानी डिसीजन के वजह से हमारा रिजल्ट आज के आने वाले 5 साल बाद, 6 साल बाद, जो भी लाइफ हम डिसाइड करेंगे उसमें आउटकम अलग आ सकता है। ठीक है, सो साइंस कॉमर्स मैथ्स हो गया। अब साइंस क्या है? तो अगर जो साइंस में इंटरेस्टेड है या साइंस वाले करियर कौन कौन से हैं, तो साइंस में आप जाने की वजह से आप इन सारे करियर्स में जा सकते हैं, जिसमें आप देख पा रहे हो टेक्निकल करियर। सब टेक्निकल करियर्स मतलब क्या? अब कोई बोलेगा टेक्निकल हमने बहुत बार शब्द सुना है, तो टेक्निकल होता क्या है? तो इसका सिंपल एग्जांपल मैंने दे दिया है, जो इंसान मशीन को ऑपरेट करता है वो एक टेक्नीशियन होता है और उसका करियर टेक्निकल होता है। तो जैसे लोको पायलट हुआ, लोको पायलट किसको बोलते हैं? जो ट्रेन्स को चलाते हैं, पायलट जो प्लेन्स को चलाते हैं। तो बेसिकली ये टेक्निकल ऑपरेटर्स है, राइट? पढ़ाई तो लगती है ऑब्वियसली, पायलट इज नॉट ईजी टू बिकम, बट दीज आर टेक्निकल करियर्स, इसमें जा सकते हैं। इन्वेस्टिगेटिव करियर्स में जा सकते हैं, जिसमें इन्वेस्टिगेशन का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? जो हम, तो इन्वेस्टिगेटिव मतलब जिसमें हम लोग कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, जैसे साइंटिस्ट हुआ, रिसर्च हुआ, ये करियर काउंसलिंग की भाषा है थोड़ी सी। तो और इसको आपके ब्रेन में आने दीजिए, क्योंकि इससे आप लर्न करोगे, स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो ये इन्वेस्टिगेटिव करियर से साइंटिस्ट बन सकते हैं आप, रिसर्च में जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं आप साइंस को लेकर के, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ सकते हैं, मशीन लर्निंग पढ़ सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? बिल्डिंगें बन रही है, पुल बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। कोई कोई बिल्डिंग को देख के हमको लगता है, अरे इतना ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना सकता है कोई, इज इट ह्यूमनली पॉसिबल, है ना? तो जैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें देखने मिलती है। अगर आप हैदराबाद जाओ तो एक हाईटेक सिटी देखने मिलती है, इतनी बढ़िया बनी है, तो इसको किसने बनाया है? तो आर्किटेक्ट्स ने बनाया है, सिविल इंजीनियर्स ने बनाया है, ठीक है? तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जा सकते हो, तो अगेन यू नीड टू हैव अ साइंटिफिक करियर ऑप्शंस, ठीक है? स्पेस में जाना है किसी को, अगर एरोस्पेस में जाना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी है, तो यू कैन हैव दिस ऑप्शन इन साइंस। मेडिकल में जाना है, मेडिकल करियर्स भी एक ऑप्शन होता है साइंस के लिए, डॉक्टर, पैरामेडिक, पैरामेडिक मतलब जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं या नर्सेस होती हैं, ये लोग साइंस के थ्रू जा सकते हैं। इसके अलावा यू हैव बायोलॉजी करियर्स, बायोटेक्नोलॉजी जिनको पढ़ना है या बायोमेडिकल में जाना है। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? कि जो भी यू नो बायोलॉजी का यूज़ करके, ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करके जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं या मेडिसिन बनाई जाती है, उसको बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी बोलते हैं। बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ये है। और बायोमेडिकल क्या है? जैसे बायोमेडिकल एक फील्ड है जहाँ पे, अगर ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे, समझिए एक सिंपल एग्जांपल, अगर किसी का हाथ टूट जाता है तो उसको यू नो एक हाथ जोड़ते हैं ना, जो नॉर्मल हाथ होता है, यू नो विच इज़ काइंड ऑफ वेरी, किसी का डुप्लीकेट पैर लगा होता है, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है ये बायोमेडिकल इंजीनियर्स करते हैं, ठीक है? तो ये बायोमेडिकल की फील्ड हुई। तो ये सारी फील्ड जो है ये साइंस की फील्ड है, ठीक है? ये साइंस के थ्रू में आती है, जिसका यूज़ जो साइंटिफिक यू नो एविडेंसेस का यूज़, साइंटिफिक स्टडीज़ का यूज़ करके हम ये सारी क्रिएटिविटी कर पाते हैं, ठीक है? कॉमर्स की बात करते हैं। कॉमर्स में क्या क्या करियर ऑप्शंस है? आप ऑडिट्स में जा सकते हैं, ऑडिट्स में आप यू नो CA, CS, CMA में जा सकते हैं। CA आपको पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, CS कंपनी सेक्रेटरीट होते हैं, ठीक है? अब ये ज़्यादातर लॉस के साथ में डील करते हैं, ठीक है? क्यों मैडम, पसंद नहीं आया क्या हमारा सेमिनार? अच्छा, ठीक है। तो करियर सॉरी कंपनी सेक्रेटरीट कौन होते हैं? जो लॉस के साथ डील करते हैं, कंपनी लॉस के साथ में। चार्टर्ड अकाउंटेंट है ऑडिटिंग के लिए, ठीक है, वो ऑडिट्स करते हैं। और चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, जो कि बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज होती है ना, जैसे यूनिलीवर हो गई या फिर नेस्ले हो गई, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उसमें कोई नॉर्मल पर्सन अकाउंटेंट होता है क्या? नहीं होता है। उसमें सीएमए जैसे लोग
यू नो दे बिकम अकाउंटेंट्स इन इन दोज कंपनीज, और ये बहुत बड़ा सर्टिफिकेशन भी है, ये कॉमर्स के लोग इसमें जा सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट फाइनेंस में आप जा सकते हो, आप CFP बन सकते हो, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आपने देखा होगा जब मैंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया था तो आई हैव स्टडीड दिस CFP एज वेल। आप CFA बन सकते हो, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। इन चीज़ों के वजह से यू कैन एक्चुअली लर्न व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट, हाउ टू मेक मनी थ्रू इन्वेस्टमेंट्स, पैसा कैसे बनता है इन्वेस्टमेंट्स के द्वारे। और साथ ही साथ आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के फील्ड में जा सकते हो, चार्टर्ड वेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, बड़ी बड़ी कॉरपोरेट बैंकिंग में चार्टर्ड वेल्थ मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये कॉमर्स के फील्ड है। आप बैंकिंग में जा सकते हो, कमर्शियल बैंक्स, मतलब जो हमारे जिन बैंक से हम लोग डील करते हैं रोज़ाना, उन बैंक्स की तरफ आप जा सकते हो, उसमें जॉब कर सकते हो। ठीक है, आप इंटरनेशनल बैंक्स में जा सकते हो, जैसे डाउचे बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका है, ऐसे बैंक्स में आप काम कर सकते हो कॉमर्स के करियर्स को के साथ में। आप एक्चुअरी बन सकते हो, एक्चुअरी एक ऐसा करियर ऑप्शन है जो बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। ठीक है, तो एक्चुअरी कौन होते हैं, जैसे पॉलिसी मेकिंग का काम होता है, अलग अलग कंपनीज की पॉलिसीज बनती है, कंपनी को कैसे ऑपरेट करना है, तो ये कौन बनाता है, ये एक्चुअरियल साइंस के जो प्रोफेशनल्स हैं वो बनाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग करियर, ये बोलते हैं कि जो वर्ल्ड के टॉप 20 करियर्स है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा सैलरी या सबसे ज़्यादा पेमेंट मिलता है, तो वो एक्चुअरियल साइंस का है। एंड द पाथ इज़ ऑल्सो वेरी टफ, तो इसको करना भी बहुत ज़्यादा टफ होता है। ठीक है, तो ये लेकिन करना टफ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, बहुत सारे लोग करते हो, बहुत सारे लोग एक्चुअरी बनते हैं। तो इसमें आप जा सकते हो कॉमर्स का करियर लेकर के। आप देन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हो, जैसे आप पीपल मैनेजमेंट में जा सकते हो, ब्रांड मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, सेल्स, तो आप MBA वगैरह कर सकते हो इसमें। ठीक है, BBA MBA, राइट, आपको समझ रहा है? बिल्कुल, आप ऐसे मत सोचिए कि हमको समझ रहा है नहीं समझ रहा है, पूछे नहीं पूछे। ठीक है, अगर हेवी भी हो रहा है, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड, स्टूडेंट्स आर इन 10th ओनली, अभी सिर्फ 10th में है, और मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें बता रहा हूँ, बट ये अवेयरनेस की बात बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब मैं आपको एक ना छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। होता क्या है हमारे इंडियन सिनारियों में कि बड़े ही मतलब कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। 80% जो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स होते हैं ना, वो डिसीजन कैसे लेते हैं करियर का, 10th के बाद सोचते हैं 11th में क्या लेना है, 12th के बाद सोचते हैं ग्रेजुएशन में क्या करना है, ग्रेजुएशन के बाद सोचते हैं कि PG करना है कि नहीं करना है या जॉब ढूंढना है, फिर PG के बाद सोचते हैं कि अभी जॉब कहाँ लेना है, फिर जॉब नहीं मिलने से हम लोग क्या करते हैं कि वी ब्लेम गवर्नमेंट कि जॉब नहीं है, राइट। बट द थिंग इज, जो लोग अपना करियर ठीक से प्लान करते हैं, ठीक है, जो लोग अपना करियर ठीक से प्लान करते हैं, तो डेफिनेटली वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट लैक नहीं करते हैं या बेरोजगारी को लैक नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको समझना, कि जैसे हम किसी शादी का प्लान करते हैं, बड़ा सिंपल सा चीज़ है, जब हम लोग शादी का प्लान करते हैं तो शादी कैसे प्लान होती है, रिवर्स प्लानिंग होती है या डायरेक्ट प्लानिंग होती है? हाँ, डायरेक्ट प्लान क्या होता है, डायरेक्ट प्लानिंग, हाँ नहीं, शादी हो गई ये प्लान, अब हमको इवेंट प्लान करना है, तो इवेंट कैसा, मेरा क्वेश्चन गलत हो गया शायद, तो मैं आपको पूछता हूँ, इवेंट प्लान कैसे किया जाता है, रिवर्स प्लान किया जाता है या डायरेक्ट सीधा प्लान किया जाता है? रिवर्स प्लान करते बेटा। ठीक है, इवेंट प्लान करना है तो सबसे पहले क्या डिसाइड होती है, डेट, पहले डेट डिसाइड होती है, उसके बाद हम प्लान करते हैं। तो सबसे पहले क्या डिसाइड हुआ, गोल, मतलब डेट मतलब गोल, कि मुझे इस दिन पे ये गोल अचीव करना है, कि ये शादी है तो ये शादी करनी है मतलब फैमिली को। ठीक है, तो पहले वो डिसाइड किया। लेकिन करियर में कैसा हो रहा है, इवन हम कहीं से निकलते हैं घर से बाहर, तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम जा रहे हैं तो कहीं जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं, बस में बैठना है, ट्रेन में बैठना है, सो वी हैव सम काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव। बट व्हेन इट कम्स टू करियर, 80% पीपल इन इंडिया डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्टिव, दे लैक ऑब्जेक्टिव। उनको ये नहीं पता, ठीक है मैं अभी साइंस तो ले रहा हूँ 11th में, या मैं कॉमर्स तो ले रहा हूँ, लेकिन मैं इसको लेके 5 साल बाद करूँगा क्या, वो क्लैरिटी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसी ऐसा अगर स्टूडेंट मेरे को मिल जाए जो बोले सर मुझे ना एक्चुअली सर मुझे CWM करना है, चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर मुझे बनना है, मैं सर ना मैथ्स में बड़ा स्ट्रांग हूँ, मुझे फाइनेंस में बड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं इन्वेस्टमेंट फाइनेंस में जाना चाहता हूँ,
तो मैं 11th में सर कॉमर्स लूँगा, फिर उसके बाद में मैं सर मुंबई जाऊँगा, फिर मैं वहाँ पे 4 साल फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ूंगा, और सर उसके बाद में मैं ये डिप्लोमा कोर्स करूँगा, उससे मैं 5 सालों में CWM की डिग्री हासिल कर लूँगा, फिर उसके बाद ना सर मैं एक इंटर्नशिप लूँगा, और फिर मैं उसके बाद एक जॉब लूँगा जो मुझे कम से कम 8-10 लाख रुपये का पैकेज जिसमें मिले, और उस तरह से मैं अपना करियर शुरू कर दूँगा। या मुझे कोई ऐसा बच्चा मिले जो बोलता है सर मुझे पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, मेरा इंटरेस्ट म्यूज़िक में है सर, तो तुम क्या करोगे बेटा? सर मैं जैसे तैसे 11th 12th पास कर लूँगा, ठीक है 60-70% लेकर, मुझे सर JEE समझ में नहीं आता, नीट समझ में नहीं आता, मेरे को UCDB समझ में नहीं आता, मेरे को कॉमर्स भी समझ में नहीं आता, मैं कैसे भी करके 12th कर लूँगा। सर मैं उसके बाद ना सर पुणे चले जाऊँगा, वहाँ पे 4 साल में म्यूज़िक प्रोडक्शन पढ़ूँगा, और मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन पढ़ के सर मैं जो है अपने जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स है या घोस्ट प्रोडक्शन है वो चीज़ें मैं करूँगा, जिससे मेरे को एक सॉन्ग बनाने का या एक म्यूज़िक पीस बनाने का 8-10 हज़ार रुपये पर प्रोजेक्ट मिलता है। आपको पता है म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स कितना कमाते हैं? नहीं पता। वाई? बिकॉज वो अवेयरनेस नहीं है, राइट? हमको लगता है कि म्यूज़िक प्रोड्यूसर मतलब जो हम लोग टीवी में देखते हैं जो गाने बना रहे हैं लोग, वही म्यूज़िक प्रोड्यूसर है। वो नहीं है, वो तो है ही, बट दे आर ऑन देयर लेवल। लेकिन ऐसे भी है कि जो हमको पता नहीं है लोग, और दे आर अर्निंग अ लॉट बिकॉज दे परस्यूड अ करियर विथ प्लानिंग। कोई भी प्लानिंग आप करते हो करियर को, प्लानिंग के साथ परस्यू करते हो, तो अब हम हर एक बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर एक बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, है ना, राइट? तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्या बन सकता हूँ, है ना, उस हिसाब से फिर हमको रिवर्स प्लानिंग करनी है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, डिसाइड। और 10th ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जहाँ पे आप कम से कम एक या दो करियर ऑप्शन प्लान ए या प्लान बी करके अपना रख ले, ताकि आप आगे में कन्फ्यूजन ना पड़े, क्योंकि अभी आपके पास एनर्जी है बेटा, ठीक है। अभी आपको एक मैं थोड़ा सा टफ वाला कोई अगर सिलेबस दे दूँ ना, तो भी आप दिन रात पढ़ाई करके उसको क्लियर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप में अभी क्या है, एनर्जी है। अगर मैं आपके पापा को बोलूँ आप JEE पढ़ो, तो पढ़ेंगे नहीं, पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी, हमारी जो एनर्जी होती है ना, ये वक्त के साथ में कम होती जाती है, राइट? बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ इश्यूज, एजिंग इश्यूज होता है बहुत सारा। तो अगर मैं किसी 27 साल के, अब ये कोई ऐसी पत्थर की लकीर नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे भी एग्जाम्पल्स है जिन्होंने 65 ईयर की एज पे नीट भी क्रैक किया है। अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ है, आपने देखा होगा, 65 साल के आदमी ने नीट क्रैक कर लिया, जो पहले SBI में ब्रांच मैनेजर था। 65 मतलब उसने अपना रिटायरमेंट के बाद में नीट दिया, है ना। तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग जनरलाइज पब्लिक के बारे में बात करते हैं, तो ये इजी है क्या? नहीं है इजी। तो आज आप एनर्जी से भरे हुए हो, तो आपके पास में आज एक या दो ऐसे करियर ऑप्शंस होने चाहिए जिसके तहत आप ये सोच पाओगे कि ठीक है, आज मैं एनर्जी इसमें लगाता हूँ, ये पर्टिकुलर चीज़ में लगाता हूँ। तो एनर्जी अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ में फोकस हो जाएगी, तो उसमें हमको ज़्यादा चांसेस है कि हमको उसमें आउटकम मिले। आउटकम का मतलब क्या है? गुड रिजल्ट, नॉट ओनली रिजल्ट, गुड रिजल्ट, उसमें मुझे अच्छा आउटकम मिले, है ना। तो वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि ये है कॉमर्स के आपके फील्ड, साइंस हुआ, कॉमर्स हुआ, फिर है आर्ट्स। अब बहुत सारे लोग आर्ट्स वालों की बिल्कुल इज्जत नहीं करते उनको लगता है इनको कुछ नहीं आता आर्ट्स खुद आर्ट्स वालों को पूछो ना कि आपने क्या किया है, तो खुद ही बेचारे ऐसे दबियो, आर्ट्स किया है मैंने बी ए मतलब खुद ही खुद का सेल्फ इस्टीम हर्ट करते कि हमने आर्ट्स किया हुआ है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि आर्ट्स इज अ वेरी फुलफिलिंग करियर, है ना। तो जब अवेयरनेस नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, हमको लगता है यार तू साइंस वाला है, मैं तो आर्ट्स वाला हूँ, है ना। तो ऐसा होता है, बट द थिंग इज आर्ट्स वाले के पास भी बहुत सारे करियर ऑप्शन है, बात है सिर्फ अवेयरनेस होने की। तो यहाँ पे देखिए, आर्ट्स वाला क्या कर सकता है, इंटीरियर डिज़ाइन कर सकता है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन। अब इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्या होता है? इंडस्ट्रियल डिज़ाइन होता है जिसमें आप अलग अलग टाइप के डिज़ाइन के डिपार्टमेंट में जाके उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हो। गाड़ी को डिज़ाइन करने से लेकर के आप ये टेबल डिज़ाइन करने तक के उसमें डिपार्टमेंट्स है। डिज़ाइन किस में नहीं है? आप अपने चारों तरफ देखो, हर एक चीज़ में डिज़ाइन है। हम जो कपड़े पहनते हैं उसमें डिज़ाइन है, ये टेबल में डिज़ाइन है, ये डिजिटल बोर्ड में डिज़ाइन है, राइट? अब ये PPT बनाने के लिए, जो बहुत अच्छी PPT बना सकते हैं, थोड़ा उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ये होना चाहिए, ठीक है। वीडियोस बन रहे हैं आज की दुनिया पूरी YouTube वाली है,
तो वीडियो एडिटर्स डिज़ाइन फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। इंटीरियर डिज़ाइन, घर पे इंटीरियर का काम करवाना है तो कौन आएगा? इंटीरियर डिज़ाइनर आएगा। प्रोफेशनल काम करवाना है तो, ठीक है, तो फैशन डिज़ाइन, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं फैशन डिज़ाइनर्स। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन ये ऑप्शन आप तभी चूज़ करिए जब आपकी मेंटेलिटी या आपकी साइकोलॉजी उससे मैच करती है, समझ रहे? साइकोलॉजी मैच करनी चाहिए। जो बंदा मैथ्स में बड़ा अच्छा है, फिजिक्स में इंटरेस्ट है, वो अगर इंटीरियर डिज़ाइनिंग करेगा तो क्या वो डिज़ाइन कर पाएगा? अच्छा, अच्छा डिज़ाइनर बन पाएगा? नहीं। उसी तरह जो बच्चा मैथ्स में बड़ा वीक है, फिजिक्स में बड़ा वीक है, मैं उसको बोलूं कि तू फिजिक्स JEE कर ले, तो उसके लिए अच्छा रहेगा क्या सॉल्यूशन? नहीं रहेगा। तो ये हमको समझना है, क्योंकि हम अपने आप को जानते हैं, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ्स कि मैं किस में अच्छा हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ हमको ये भी समझना है कि अगर अगर कोई अच्छा करियर ऑप्शन है तो क्या मैं उसके लिए मेहनत कर सकता हूँ क्या? वैसे तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। अगर हम सोचेंगे कि ये भी मुझसे नहीं होता है, वो भी मुझसे नहीं होता है, तो क्या होगा? हम तो पीछे रह जाएंगे ना, क्योंकि उसके उसके तले, उसके आड़ में हम अपनी मेहनत को छुपा रहे हैं कि मैं मेहनत करने से बचना चाहता हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मेहनत आपको सही दिशा में करनी है। इसके अलावा मास कम्युनिकेशन आप कर सकते हो, आर्ट्स के स्टूडेंट्स आफ्टर 12th यू कैन डू जर्नलिज्म, यू कैन गेट इनटू मीडिया, आरजे, वो सब कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जा सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट क्या होता है? होटल इंडस्ट्री होती है, ठीक है। क्यूलिनरी आर्ट्स मतलब क्या होता है? शेफ होता है, ठीक है। आज अगर आप एक जैसे JEE मैरियट है या ग्रैंड हयात के शेफ होंगे तो 3-3, 4-4 लाख रुपए महीने की सैलरी होती है सिर्फ खाना बनाने की। क्यों? क्योंकि दे आर पास्ड आउट ऑफ ग्रेट कॉलेजेस। अब इंडिया में हर एक फील्ड के टॉप कॉलेजेस है। लॉयर बनना है तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अगर ये बनना है, क्यों हॉस्पिटलिटी में जाना है, तो IIHM है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, ठीक है। हमने सिर्फ IIT सुना हुआ है, वो बहुत सारे हैं, ठीक है। 5 कॉलेजेस है टॉप के होटल मैनेजमेंट के, ठीक है। उसके लिए आपको उसकी एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी, तो वैसे आप जा सकते हो। म्यूज़िक प्रोडक्शन किसी को सीखना है तो आप डिस्क जॉकी बन सकते हो, आगे जाके DJ, जिसका बहुत ज़्यादा कल्चर है बड़ी सिटीज़ में, फॉरेन में, इंडिया में चंद्रपुर में वगैरह ऐसे जगह पे नहीं है, बट इट्स अ फुलफिलिंग करियर। साउंड आर्टिस्ट, साउंड मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है साउंड की, ठीक है। छोटे लेवल पे नहीं दिखता है, बड़े लेवल पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि अब आप बोलेंगे ये कहाँ पे फुलफिलिंग है? कॉन्सर्ट्स होते हैं दुनिया में, ठीक है। अगर पता है आपको, एक इवेंट मैनेजर अगर 2 इवेंट करता है ना साल भर के, ही ऑलरेडी अर्न अराउंड 70-80 लाख 2 इवेंट्स में, बाकी टाइम वो बस टूर करते हैं, राइट। हमारे घर पे शादी हुई थी तो वीडियो एडिटर जो फोटो खींचते हैं ना उसको बुलाया था, तो उसने अराउंड 1.5 लाख रुपए सिर्फ फोटो के लिए थे, और उसने बोला कि मैं 20-25 प्रोजेक्ट करता हूँ साल भर में, 20-25 शादियों में वो 30-35 लाख कमा रहा है फोटोग्राफर, बट ही इज ऑल्सो समथिंग को, वो छोटा मोटा फोटोग्राफर नहीं है, वो सर्टिफाइड है कहीं से, उसने एजुकेशन लिया है प्रॉपर, उसमें उसने मेहनत की है 4-5 साल, तभी जाके उस लेवल पे पहुंचा है। तो उसने भी मतलब, उसका ज़रूरी नहीं है कि आपको पर्टिकुलरली एक ही चीज़ मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी है, आपको एक चीज़ में मास्टर होना है। करियर का मतलब एक प्रोफेशन है कि एक करियर का मतलब एक किसी प्रोफेशन में आपको मास्टर होना है कि ठीक है, मैं करियर काउंसलर हूँ, मेरे को इंजीनियरिंग का नहीं समझता कुछ भी, मैं अगर मेरी गाड़ी खराब हो जाए तो मैं नहीं ठीक कर पाऊंगा, मेरे को मैकेनिक की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं अपने काम में परफेक्ट हूँ, वो अपने काम में परफेक्ट है, राइट। सो दैट इज वॉट करियर मीन्स, अ प्रोफेशन वेयर यू आर परफेक्ट इन, ठीक है। फिर डिजिटल मार्केटिंग एक करियर है आर्ट्स में, ब्रांड प्रमोशंस में जा सकते हैं आप, लीड जनरेशन में जा सकते हैं, लॉयर में जा सकते हैं आप, यू कैन बिकम अ लॉयर, क्रिमिनल लॉयर, डिफेंस लॉयर, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो ये हो गया आर्ट्स के लिए करियर ऑप्शंस, ठीक है। अब ये यहाँ पे साइकोलॉजी ऐसी है कि बहुत लोगों को पता भी होगा और नहीं भी पता होगा। अगर आपने साइंस लिया, ठीक है, तो आप कॉमर्स में जा सकते हो और आप आर्ट्स में जा सकते हो, ठीक है, और आप मतलब दोनों के करियर ऑप्शंस आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैं पहले, मेरा पर्सनल एग्जांपल दूं, मैं पहले साइंस स्टूडेंट्स था लेकिन मैं कॉमर्स के फील्ड में चले गया बाद में, राइट। आफ्टर 12th आई टुक यू नो BBA देन MBA, ठीक है। तो मैनेजमेंट एंड कॉमर्स मेरा था, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस में मैंने पढ़ाई की,
उसके बाद फिर मैं साइकोलॉजी में आया बिकॉज आई फाउंड दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर मी। ठीक है, तो क्योंकि मेरे को तब गाइड करने वाला कोई नहीं था तो मैंने बहुत कुछ कर लिया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि अभी, और मैं जॉब कर रहा था एक बैंक में एंड वो जॉब मुझे पसंद ही नहीं आ रही थी। इवन दो आई वॉज अर्निंग मनी, लेकिन पैसे कमा के भी वो मज़ा नहीं आ रहा था कि क्या करे, उतना मज़ा नहीं आ रहा है। एक मुझे लगता था कि मैं जेल में बैठा हूँ मॉर्निंग से इवनिंग तक, राइट। तो फिर मैंने सोचा कि क्रिएटिविटी कैसी आ सकती है या कुछ अलग कैसे किया जा सकता है। फिर मैंने दूसरे करियर के बारे में सोचा। तो इस हिसाब से होता है कि लेकिन मैं अगर कॉमर्स पहले ही करता और मुझे आगे जाके इंजीनियर बनना रहता तो मैं बन पाता क्या? नहीं बन पाता, क्योंकि आप साइंस लेने के बाद में कॉमर्स और आर्ट्स की तरफ तो जा सकते हो, लेकिन आप कॉमर्स लेने के बाद में आर्ट्स की तरफ जा सकते हो लेकिन साइंस की तरफ नहीं जा सकते। ठीक है, एक सिंपल है। मेरे पास में एक स्टूडेंट आई थी जिसने कॉमर्स किया था 11th 12th। मैं जनरली करियर काउंसलिंग करता हूँ पर्सनल लेवल पे विद बेस्ड ऑन साइकोमेट्रिक एनालिसिस। तो स्टूडेंट आई थी तो उसने बोला कि सर मुझे BSc कंप्यूटर साइंस करना है। तो मैंने उसको बोला कि तूने नहीं, उसका साइंस था। तो मैंने बोला कि आपका 11th 12th में क्या था? तो उन्होंने बोला कि मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था। मतलब मैथ्स नहीं था सर। बोला नहीं कर सकते फिर, नो ऑप्शन, क्योंकि BSc कंप्यूटर साइंस करना है तो 11th 12th में मैथ्स साइंस तो चाहिए, साथ में क्या चाहिए? मैथ्स चाहिए। तो ये बहुत उसको नहीं पता था। शी वॉज लिटरली शॉक्ड। अरे बाप रे सर, मेरा तो साइंस था। मैं बोला साइंस था आपका बेटा, लेकिन BSc कंप्यूटर साइंस में यू नीड टू रिक्वायर यू नो मैथ्स इन योर 11th 12th। मैथ्स के बिना आप नहीं चूज कर पाओगे। तो ये बेसिक डिफरेंस नहीं पता। तो फिर कॉमर्स लोगे तो ऑब्वियसली तो वो तो कट ही गया, BSc कंप्यूटर साइंस या BSc का कोई भी करियर ऑप्शन। ठीक है, वैसे आप आर्ट्स में जा सकते हो लेकिन इधर नहीं जा सकते। सेम है आर्ट्स के साथ। आर्ट्स में आप कॉमर्स की तरफ आप नहीं जा सकते और ना ही साइंस की तरफ जा सकते हो। तो आर्ट्स बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये है ऑप्शन वहाँ पे सिंगल ही, क्योंकि अब इसमें गवर्नमेंट जब ये बना रही है या जो हमारा एजुकेशन जो भी सिस्टम है ये बन रहा है, इसमें एक सोचा है कि आर्ट्स तो वही लोग करेंगे ना जिनको डिज़ाइन फील्ड में जाना है ना, तो वो लोग वापस इधर क्यों आएंगे? तो इसलिए ये चीज़ है। और 11th 12th में बिल्कुल आपने कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा ही नहीं है, बायोलॉजी पढ़ा ही नहीं है, तो आपका फिर इधर कोई रोल आगे बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि 11th 12th आपका बेस है जो हम सबको पता है। ठीक है, तो इसलिए मेरा आपका हम्बल सजेशन है आप लोगों का कि भले आपने अभी आपका करियर डिसीजन नहीं लिया होगा कोई बात नहीं, लेकिन 11th 12th साइंस में कीजिए, क्योंकि साइंस एक यूनिवर्सल फील्ड है। आगे जाके इवन दो आपको कॉमर्स में जाना है फिर भी आप जा सकते हो, है ना। और कॉमर्स का जो पोर्शन है जैसे अकाउंट्स हुआ, स्टैटिस्टिक्स हुआ, ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा टफ नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि 11th 12th में जो आप अकाउंट्स एंड साइंस पढ़ते हो BCom में वापस वहीं से शुरू होता है, या BBA में वहीं से शुरू होता है, वो बेसिक से शुरू होता है। सो यू नीड नॉट नीड टू वरी अबाउट इट। सो आर्टिफिशियल आप अपना साइंस का आप चूज़ कीजिए, ठीक है, आप एक सेफर साइड में रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न करियर्स क्या है? तो अच्छा, उसमें पीछे चल रहा है थोड़ा सा, मुझे दिखा नहीं कि वो चेंज हुआ। एनीवेज, सो ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न करियर्स क्या है? अब तो ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने टाइप के हमारे करियर्स थे और आज के नए करियर्स, इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है? तो दुनिया ना बहुत चेंज हो गई है, और आप देखिएगा हर 25 साल में एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है। कितने सालों में? 25 सालों में। तो अभी हम लोग ट्रांजिशन फेज में हैं, अभी हम लोग ट्रांजिशन फेज में। आप बहुत ज़्यादा अभी सोच रहे हो, देख रहे होगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ आना हो गया, या बहुत सारी चीज़ें हम जो आज यूज़ करें दैट इज़ वेरी यू नो मोबाइल ओरिएंटेड, एंड्रॉयड ओरिएंटेड। ठीक है, जहाँ पे हम ऐप के ऊपर सब कुछ कर रहे हैं। अब जब मैं 10th में था, कोई मुझे बोलता कि बेटा जब तू 10 साल बाद तू अगर जाएगा तो 10 साल बाद ना घर पे खाना आएगा ऐप के जरिए, तो मैं यकीन करूँगा क्या? नहीं करूँगा। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 साल के बाद में ड्रोन आपका पार्सल लेके आएगा, तो आप यकीन करोगे क्या? अभी नहीं कर रहे हो ना यकीन। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 साल बाद ड्रोन जो है ना वो आपको पार्सल लेके आएगा घर पे, उड़ते हुए आएगा ड्रोन। हाँ, क्या हुआ, आपको ड्रोन लेना है?
ये एक्चुअली ट्रांजिशन है, ठीक है, ये ट्रांजिशन है। हम क्या सोचते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं सोचते ना, तो हमको नहीं पता होता, और 10 साल भी नहीं, मेरे ख्याल से 5-6 साल, 2030 या 2032 तक, 2032 तक ये पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो होते हैं ना, तो हमको टेक्नोलॉजी का चेंज समझ में नहीं आता, क्योंकि हम लोग ग्रो कर रहे हैं। अब कोविड आ गया सर, तो मैंने सीख लिया कि वो ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं, उसके पहले तो मुझे आता नहीं था, है ना। अब मेरी मम्मा को उसके पहले नहीं आता था, कोविड के पहले तो सब्जी लेने जाती थी तो वो पैसे ही दे के खरीदती थी। आज सब्जी वाले भी अपना ये बारकोड लगा के बैठे हैं, सोच सकता है क्या कोई? ये जो ट्रांजिशन आया, ये आपके अवेयरनेस में है क्या? नहीं है, क्योंकि हम उसके साथ ग्रो किए हैं ना। कैसे, जैसे हम बच्चे होते हैं तो बचपन की फोटो देखिए या 2 साल पहले की फोटो देखिए, आप उसमें बच्चे दिखोगे, 2 साल के बाद अलग दिखोगे, है ना। लेकिन क्या वो हमारे अवेयरनेस में आया? नहीं, क्योंकि हमने उसके साथ ग्रो किया, समय बदल गया, हमको समझ भी नहीं आया, हम चेंज हो गए, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, लेकिन हमको समझ में इसलिए नहीं आई क्योंकि हम उसके साथ ग्रो किए। बट यू हैव टू, अगर आप कॉन्शियसली अंडरस्टैंड करोगे तो ये सारी चेंजेस आए हैं। आज बहुत सारी चीज़ें हम ऑनलाइन कर रहे हैं, आज शॉपिंग भी लोग ऑनलाइन ही करते हैं, आज लोग फ़ोन भी ऑनलाइन मंगाते हैं, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन। तो आज करियर्स कैसे चेंज हुए हैं, पहले के करियर्स क्या थे, 90s में जो लोग पढ़ते थे तो किसी की डिग्रीज पूछते थे, हाँ बैठे हैं तो जी मैंने PhD किया हुआ है, मैंने MA किया हुआ है, मैंने इकोनॉमिक्स में ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, ऐसा बताते थे तो हम बड़े इम्प्रेस हो जाते थे, अरे बाप रे बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, कितना पढ़ा लिखा आदमी है। आज कंपनीज पूछती है, हाँ वो तो सब ठीक है, आपने PhD किया, काम क्या कर सकते हो, आपके पास में स्किल क्या है। हमारे कंपनी में ये 10 प्रकार के काम होते हैं, इस 10 में से आप कौन सा काम कर सकते हो जिसमें हमको आउटकम लाके दोगे। आउटकम मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, काम कौन सा क्वालिटी काम करना है ना। क्वालिटी काम इज आउटकम, कोई भी काम का रिजल्ट मतलब क्वालिटी रिजल्ट। तो हमको इस 10 काम में, तो अभी प्रॉब्लम ये हो गई, अभी चीजें क्या हो गई, ट्रेडिशनल करियर्स वेयर फोकस्ड मोर ऑन लॉन्जेविटी ऑफ योर एजुकेशन, कितना लॉन्ग देर तक पढ़े हो आप, डिग्रीज कितने आपके पास में, डिप्लोमास कितने, PhDs कितने। आज मॉडर्न करियर फोकस करता है आपके प्रोफेशनल स्किल्स क्या है, कम्युनिकेशन कितना है, प्रोडक्टिविटी क्या है आपकी, ठीक है। प्रोफेशनल स्किल्स मतलब आप कौन से चीज में महारत हासिल है आपके पास, क्या आप कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट हो, क्या आपको AI आता है, क्या आपको डेटा साइंस आता है, ठीक है, ये आता है क्या आपको, ये पहला सवाल। ये हो गए हमारे प्रोफेशनल स्किल्स, ठीक है। सेकेंड है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अगर आप प्रोफेशनल स्किल्स है आपके पास लेकिन आप अपने स्किल्स को एग्जिबिट नहीं कर पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन या अपने लोगों के अंदर में, तो भी आपको वीकर माना जाएगा और आप शायद इंटरव्यू में फेल हो जाओगे। आपको ये सब कुछ आता है लेकिन यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट, इंटरव्यू में आप वहाँ पे हो जाओगे खत्म। तो विथ योर प्रोफेशनल स्किल यू ऑल्सो नीड टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स। और प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी ये है एक काम करने के लिए कितना समय ले रहे हो, या एक काम करने का आपका रिजल्ट कैसा है। प्रोडक्टिविटी को मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अभी बहुत सारे लोगों के घर पे हो सकता है पुताई का काम चल रहा होगा, दिवाली में करवाते हैं लोग, ठीक है। तो अगर आपके घर में समझ लीजिए 3 रूम की पुताई करनी है, तो आप दिमाग लगाते हो ये तो यार 1 दिन का काम है ना, और वो 4 दिन ले रहा है, तो एक तो आपका घर डिस्ट्रेस में है, सब सामान फैला पड़ा हुआ है, तो क्या वो क्वालिटी वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब 3 दिन के बाद उसने देखा, आपने देखा कि ये पेंट ठीक से नहीं किया उसने, वहाँ जगह छोड़ दी, तो इज इट प्रोडक्टिविटी, नहीं, प्रोडक्टिविटी फेल हो गई। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि आपका काम कैसा है, कितना टाइम लगाते हैं और कितना क्वालिटी है। काम मतलब कोई भी काम आपका, आप अग्रवाल क्लासेस में काम करते हो तो व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ योर वर्क, हम भी असेस करते हैं। आपने बच्चों को ठीक से गाइड किया गया, अगर मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मैंने ठीक से आपको गाइड नहीं किया, तो मुझे अग्रवाल सर क्यों रखेंगे, तो बोलेंगे कि ये ठीक है आपके बहुत डिग्री डिप्लोमा सब कुछ है लेकिन आप मेरे किसे काम के नहीं हो, है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको इस पे ज्यादा फोकस करना है आने वाले हमारे करियर्स में। बोर हो रहा है क्या, ऑप्शन नहीं है, अब सुनना पड़ेगा, ठीक है। चलो
अब स्टूडेंट साइकोलॉजी को समझते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा अभी, अब आपकी खुद के एग्जांपल्स आएंगे इसमें, ठीक है। तो स्टूडेंट साइकोलॉजी कैसी होती है इसमें अबाउट करियर? तो पहला होता है ऑप्टिमिस्ट बच्चा, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट मतलब कौन होता है? ही नोज हिज पाथ। उसको पूछो सर मैं आईपीएस ऑफिसर बनूंगा, टेंथ में ही बोल रहा है कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनूंगा। फिर उसको पूछो कि कैसे बनते हो आईपीएस ऑफिसर, सर मैं 11th 12th करूंगा, उसके बाद में सर मैं ग्रेजुएशन दूंगा, मेरे दोस्त ने बोला था कि ग्रेजुएशन होने के बाद में आप अप्लाई कर सकते हो, तो सर फिर मैं यूपीएससी की एग्जाम दूंगा और मैं आईपीएस ऑफिसर बन जाऊंगा, ठीक है। यह है ऑप्टिमिस्ट बच्चा। तो इज इट राइट और रॉन्ग, ये ऑप्टिमिज्म राइट है या नहीं? अच्छा है क्या? अच्छा है, अच्छा है, लेकिन हमको उसको गाइड करना है, बच्चे को गाइड करना है, बेटा देख इसका सिलेबस ऐसे होता है, ये चीज़ें ऐसी होती है, ठीक है। तो ये हिसाब से तुझे क्या लगता है तू इतनी टफ एग्जाम कर पाएगा? क्योंकि उसको अपने को उसको डिमोटिवेट नहीं करना है, उसको सच्चाई के साथ सामना करवाना है, उसके उसको अवेयर करवाना है कि देख ये इतनी टफ एग्जाम होती है तो क्या तू इसको करने की ट्राई करना चाहेगा, राइट? डू यू थिंक यू शुड डू इट? ये हमको उसको समझाना है, ऑप्टिमिस्ट बच्चा है। सेकेंड बच्चा है कन्फ्यूज्ड, अनेबल टू टेक डिसीजन, वो डिसीजन ही नहीं ले पाता है, तो ही नीड्स अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर, कोई भी, ठीक है। तो आप एक करियर काउंसलिंग कीजिए, अपने आप को जानिए थोड़ा बहुत, बच्चे की असेसमेंट कीजिए कि वो बच्चा कौन सी चीज़ में अच्छा है, और उसको फिर आगे में आप करियर डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। इसमें एक जनरल आपको चीज़ बता देता हूँ, जो भी सब्जेक्ट्स आप अच्छे हैं, जैसे आप अगर पढ़ाई में अच्छे हैं, आपको मैथ्स अच्छा जमता है, ठीक है, आप अच्छा अगर साइंस अच्छा जमता है तो गो फॉर साइंस, ठीक है। अगर आप थोड़े वीकर हो, कन्फ्यूज्ड है बच्चा, वीक है, वीक किस में है? पढ़ाई में वीक है, ठीक है, तो आप कोई और करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कौन से एक्टिविटी में वो अच्छा है। बच्चा अगर स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसको MBA की तरफ भेज सकते हैं, क्योंकि ही हैज़ स्पोर्ट्समैनशिप इन इट, ठीक है। बच्चा इसमें मोबाइल में ज़्यादा खेल रहा है तो उस बच्चे को पहले तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, जो बच्चा मोबाइल में ज़्यादा है उस बच्चे को पहले प्रोटेक्शन की ज़रूरत है उसको, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, मोबाइल से थोड़ा सा उसको दूर रखने की ज़रूरत है। यस अब सवाल इसमें यह आता है, चेस आप खेलना चाहते हो, ठीक है, चेस आपका पैशन है, तो आप ऑनलाइन मत खेलो, आप किसी के साथ बैठ के फिजिकली खेलो, ठीक है। इसका क्या रीज़न है मैं बताता हूँ, जो गेम है ना चेस का गेम या फिर कोई भी गेम मोबाइल के अंदर, आपको इसलिए बनाया गया है ताकि आप ना उस मोबाइल पे भिड़े रहो, उस पर बने रहो, उस मोबाइल में आप एडिक्टेड रहो। इससे क्या होता है, वो मोबाइल में आप जब तक रहते हो तो आपको ऑप्शन देता है कि आप किसी अननोन पर्सन के साथ चेस खेलो, कोई भी पार्टनर आपका बन सकता है ना, तो कोई भी पार्टनर आपका बनेगा तो आपका इंटरेस्ट लेवल हमेशा जागा हुआ रहेगा कि नहीं मैं किसी के साथ खेलता हूँ, मैं जीतता हूँ, लेकिन वो क्या कर रहा है, आपके ब्रेन को वीक बना रहा है, आपको वो एंजाइटी दे रहा है, एंजाइटी मतलब बेचैनी, बेचैनी दे रहा है आपको, आप बेचैन हो जाओगे अगर वो चेस आप नहीं खेलोगे तो, ठीक है। और एक बार चेस में अगर आप जीतते हो तो आपको लगता है और जीतूंगा, नेक्स्ट गेम खेलते हो आप दूसरे के साथ में, इससे क्या होता है, ओवरऑल आपकी माइंड की अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, माइंड अनस्टेबल होगा तो किसी काम का नहीं रहेगा, है ना। तो देखो जिसको मोबाइल का एडिक्शन है, जिसको गेम्स का एडिक्शन है, तो आप 1 घंटा जाके क्रिकेट खेलो, आप 1 घंटा जाके बैडमिंटन खेलो, कोई भी गेम खेलो आप, ठीक है, लेकिन मोबाइल का यूज मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि मोबाइल, मैं आपको बता रहा हूँ, मोबाइल इज, देखो कैसा होता है, मोबाइल इज अ मीन्स कि जहाँ पे आप एंटरटेनमेंट कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मोबाइल यूज ही मत करो, मोबाइल का यूज रेस्ट्रिक्ट करो, एक टाइम फ्रेम बनाइए, रोज 1 बजे से 3 बजे तक मोबाइल देखूंगा, 2 घंटा बस, उसमें आप गेम खेल लीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसी में लगे रहना या उसको अपनी आदत बना लेने से मैं आपको गारंटी के साथ बोल पा रहा हूँ कि आप लाइफ में बहुत सारी चीजें मिस कर जाओगे, बेचैनी हमारी आदत बन जाती है, फिर हर चीज़ में बेचैनी होगी, काम नहीं होगा बेचैनी आ जाएगी, एंजाइटी आ जाएगी,
आपको पता है मोबाइल ज़्यादा देखने से हार्ट अटैक आता है? नहीं पता होगा आपको, मोबाइल ज़्यादा देखने से हार्ट अटैक आता है, ज़्यादा यूज़ करने से। क्यों क्यों क्या अब बोलेंगे ऐसा नहीं, कुछ भी बोलते हो आप, ऐसा नहीं है, लिटरली ऐसा है। क्या होता है, मोबाइल आपको ना, आप रील्स देखते हो, ठीक है। अब एक रील देखा, रील में नहीं क्या, एक गरीब बच्चा है, एक अमीर बच्चा जा रहा है उसकी मदद कर रहा है, वो रील देखा मैंने, तो मेरा जो दिल है वो कैसा हो गया, एकदम बड़ा इमोशनल हो गया। मैंने स्वाइप किया, कॉमेडी वीडियो आ गया, कॉमेडी वीडियो आ गया, तो कॉमेडी वीडियो आने की वजह से क्या हो गया, अब मैं खुश हो गया। फिर एकदम कोई तो बुरा वीडियो आ गया, फिर मैं एकदम ये हो गया। तो मेरे इमोशंस की कौन कंट्रोल कर रहा है, वो रील्स कंट्रोल कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि मैं एक्सट्रीम हैप्पी हो रहा हूँ, एक्सट्रीम बेचैन हो रहा हूँ, एक्सट्रीम इमोशनल हो रहा हूँ, एक्सट्रीम फियरफुल हो रहा हूँ, ठीक है। कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जिसमें वो दिखता है कि चिपकली ऊपर है, ऐसे वो चिपकली को झाड़ू से हटा रहा है, फिर वो चिपकली अचानक से आपकी तरफ आ जाएगी। देखा है आपने वीडियो ऐसे? तो इसमें क्या होता है, वो आपको डराते हैं, ठीक है। तो ये रीज़न क्या है, इससे होता ये है कि योर मेंटल स्टेबिलिटी डिक्लाइंस, जो मेंटल स्टेबिलिटी होती है ना, डिक्लाइन। अच्छा, रील क्यों आया पता है? आजकल यूट्यूब के 16, 15, 20 मिनट की वीडियो कोई नहीं देखता। लोगों का अटेंशन स्पैन अब कितना हो गया है, ओनली 60 सेकेंड्स मैक्सिमम। 60 सेकेंड के अंदर आपको कंक्लूजन नहीं मिला तो आप स्वाइप कर देते हो ऊपर। ज़्यादा लंबा भी अगर रील रहा ना तो आप उसको स्वाइप करके दूसरा रील देखने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है यार बोर हो रहा है, चलो अभी हमको ना बिल्कुल एंटरटेनमेंट चाहिए, क्विक एंटरटेनमेंट चाहिए, ठीक है। तो वो पॉइंट अभी आ गया है लोगों की लाइफ में, बट इट इज़ एक्चुअली यू नो इट इज़ डेप्रिशिएटिंग योर मेंटल स्टेबिलिटी। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो नहीं कर पाओगे। आज सिर्फ ये लोग कमा रहे हैं, तो इसलिए मोबाइल से थोड़ा दूर रहिए, ठीक है। तो यू हैव टू गो थ्रू, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कन्फ्यूज स्टूडेंट है तो उसको बताना है उसकी स्ट्रेंथ्स, और उसको यू नो ये चीज़ें करनी है उसके साथ में, साइकोमेट्री वगैरह कर सकते हैं। अब डिफ्यूज्ड बच्चा है, डिफ्यूज मतलब क्या होता है कि आज बोल रहा है पायलट बनूंगा, कल बोल रहा है आर्किटेक्ट बनूंगा, परसों बोल रहा है इंजीनियर बनूंगा, उसके बाद बोल रहा है बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनूंगा, ठीक है। तो ये बच्चा कैसा है? डिफ्यूज्ड है। डिफ्यूज मतलब फ्यूज, डिफ्यूज ऐसा कुछ नहीं होता, इट्स अ वर्ड, ठीक है, इट्स अ साइकेट्री वर्ड विच इज़ यूज फॉर अ पाइन। तो अगर ऐसा बच्चा है तो क्या करेंगे फिर, ठीक है। तो ये बच्चों को करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है, इसको गाइडेंस की ज़रूरत है, और ऐसे बच्चों ने सुनना भी चाहिए कि क्या करना है उनको, राइट। अब फोकस्ड बच्चा कौन होता है? जो नेचुरली अच्छा है, नेचुरली पढ़ाई में अच्छा है, जो कुछ भी कर ले अच्छा ही करेगा। तो ऐसे बच्चों को थोड़ा सा ना, थोड़ा हमको स्ट्रेस दे सकते हैं। स्ट्रेस मतलब ऐसा स्ट्रेस नहीं, पढ़ाई को थोड़ा सा हम टफ वाले आईपीएस आईएएस ऐसी कुछ चीज़ें हम दे सकते हैं जो हमको पता है कि नेचुरली वो कर लेगा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें कोई आपके क्वेश्चंस हैं? अच्छा, ये चारों में से कोई ना कोई कैटेगरी में तो आप आते होगे, बच्चों को बोल रहा हूँ मैं, है ना, कोई ना कोई कैटेगरी में आप आते होगे, कि उसके अलावा कोई कैटेगरी है ही नहीं, ठीक है। चलो, अवेयरनेस तो आ रही है, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है आज का, ठीक है। अब दुनिया कहाँ जा रही है, हो गया, अब थोड़ा सा ही है, दुनिया कहाँ जा रही है, तो ट्रेमेंडस राइज इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। ये हम लोग जितनी भी बातें कर रहे हैं आज, ये सारी फील्ड का एक मदर फील्ड है, दैट इज़ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो बहुत राइज हो रहा है कंप्यूटर साइंस का फील्ड, और दुनिया एक्चुअली कंप्यूटर साइंस से ही चलती है, हमको समझ में नहीं आता, बट उसका इन्वॉल्वमेंट हर एक फील्ड के अंदर में होता है, और राइज उसका जो है कंटिन्यूसली हो रहा है। अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है, 7 से 8 ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजीज है जो कि डिसरप्ट कर रही है, मतलब डिस्टर्ब कर रही है नॉर्मल टेक्नोलॉजी को, ठीक है, इस दुनिया को, ठीक है। आज डीप फेक आ गया है, आज AI आ गया है, ठीक है। आज हम लोग देखते हैं कि कोई वीडियो ऑटोमेटिकली ग्राफिक से बन रहा है, उसमें किसी का चेहरा है, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी आज की आ गई है, सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट, ठीक है। राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का राइज हो गया है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? एक दिमाग जो ह्यूमन का दिमाग नहीं है लेकिन ह्यूमन जैसा है, ठीक है। इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओल्ड स्ट्रीम्स इनटू न्यू वन, तो पुराने स्ट्रीम्स जो है नई स्ट्रीम्स में बदल रहे हैं, और इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है ये अलग अलग फील्ड में आ रही है, ठीक है।
अलग अलग फील्ड में हम लोग टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं। अब करियर्स कौन कौन से अच्छे हैं, टॉप करियर्स की बात करें तो आए हैं तो कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए, तो कौन से टॉप के करियर्स हैं जिसको आप चूज़ कर सकते हो। ये करियर्स को चूज़ करोगे तो विद इन 4 to 5 years आप एक सेटल पर्सन हो जाओगे, एक करियर में आपका करियर एक अच्छा शुरू हो जाएगा। तो पहला है AI ML, ठीक है, जिसके लिए कंप्यूटर साइंस और कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, इसमें आप जा सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, अभी द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ डेटा, हम लोग जीमेल यूज़ करते हैं, ठीक है, फेसबुक है, तो ये दुनिया पूरा डेटा से भरी हुई है। तो डेटा का यूज़ करके हमारे बिजनेस के लिए कैसे बेनिफिट उससे लिया जाए, दैट इज़ द वर्क ऑफ डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। एक सिंपल भाषा में मैं बताऊं कि एक डेटा साइंस का एक्सपर्ट मेरे साथ में है, तो मैं अगर उसको बोलूं कि मुझे एक पर्टिकुलर डेटा चाहिए किसी चीज़ का जिससे मुझे ये आउटकम लाना है, तो उसका काम होता है कि उस डेटा से वो आउटकम ला करके देना, ठीक है, उसके पास वो डेटा का एक्सपर्ट होता है। इसकी बहुत सारे लैंग्वेजेस भी है, कोडिंग लैंग्वेजेस, जो आप सीख करके इसमें एक्सपर्ट बन सकते हो। ये दोनों भी सबसे टॉप करियर है आज की दुनिया में, सिर्फ इंडिया ही नहीं, जर्मनी, यूरोप, अमेरिका, कहीं पे भी इसकी ये जो लोग करेंगे ना, तो ये कहीं पे भी खाली पीली नहीं बैठेंगे। साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, ये थर्ड टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी जो डिस्टर्ब कर रही है आज के टाइम पे। बायोटेक्नोलॉजी भी है, ठीक है, जिसमें बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का मिक्स आता है। अगेन मैंने बोला कि रिसर्च करके प्रोडक्ट्स बनाना बायोलॉजी के ऑर्गेनिजम्स और ये सब के, इसका प्लांट्स का रिसर्च करके, ठीक है, सो दैट इज़ इनटू बायोटेक्नोलॉजी। डिजिटल करेंसी एडवाइज़र, जिसमें फाइनेंस, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस का यूज़ होता है। ये कुछ टॉप करियर ऑप्शंस है, आपको अगर फ़ोटो खींचना खींच सकते, नहीं तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा ये हमारा सेशन पूरा वापस, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, ठीक है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, जिसमें बहुत सारे अदर ब्लॉक्स में इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। मैं बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं दूंगा, ठीक है, तो ब्लॉक्स में इंफॉर्मेशन ये की जाती है, और ये बहुत ही सिक्योर इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। आने वाले टाइम में क्योंकि साइबर सिक्योरिटी भी आने वाला है और ब्लॉकचेन भी आने वाला है, तो डेटा को सिक्योर करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। और साथ ही साथ ये जो बिटकॉइन वगैरह सुना है क्या आपने, इसके भी जो ये जो बना है या कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है इसमें, तो इट इज़ इनटू ब्लॉकचेन। ये साथ ही साथ डिजिटल करेंसी को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। तो ये हो गए टॉप करियर ऑप्शंस। इसके अलावा प्रोडक्शन में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आएगी, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ कि ऑलरेडी आ चुकी है। 2030 तक जो भी ये पड़ेगा, तो इसमें आप यू विल गेट अमेजिंग जॉब्स, बहुत सारे जॉब्स है। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भी जा सकते हैं आप। क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर्स, अगेन कंप्यूटर साइंस की फील्ड है। रिन्यूएबल एनर्जी कंसल्टेंट्स, अब इसके लिए आप, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, जिसको स्टोर वगैरह करते हैं, सोलर वगैरह, और रिन्यू करते हैं एनर्जी को, ठीक है। अभी आपको इवन चंद्रपुर के जो महानगर पालिका है उसका भी मैसेजेस आता है कि किन लोगों को, कि आप सोलर का ये कीजिए या रिन्यूएबल एनर्जी स्टोर कीजिए। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि हम इस एनर्जी की तरफ जाने वाले हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में डीजल की गाड़ियाँ बंद हो जाएगी, हम लोग पेट्रोल से बायोफ्यूल पे आ जाएंगे, तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं आने वाले टाइम में। अब देखिए जो ये चेंजेस आ रहे हैं ना, इसके साथ करियर ऑप्शंस भी चेंज हो रहे हैं। अभी भी आज भी जाके मैं अगर ऐसा करियर ऑप्शन चूज़ करूँ जो जिसका कोई स्कोप नहीं है आगे, तो ऑब्वियसली मैं अनएम्प्लॉयमेंट मेरे को फेस करनी ही पड़ेगी, है ना, क्योंकि प्लानिंग नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई है बहुत सारी, जो भी गाड़ियाँ आपको ग्रीन नंबर प्लेट की दिखती है वो कौन सी व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। अब वो ख़राब तो होगी ना, तो नॉर्मल मैकेनिक सुधारेगा क्या उसको, नहीं, तो उसको इलेक्ट्रिकल जो टेक्नीशियंस है वो सुधारेंगे, तो ये भी एक फुलफिलिंग करियर्स है, ठीक है। अब इसके लिए इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी। पैरामेडिक में बहुत ज़्यादा है। अब कोई लोग बोलते हैं कि हमको नर्स बड़ा छोटा लगता है, कि नर्स क्यों बनूँ मैं, ठीक है, लेकिन आज गवर्नमेंट के फील्ड में नर्सेस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ठीक है, और सिर्फ नर्स नहीं होता उसमें, बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है। अब जो टेक्नीशियंस होते हैं, जैसे मेडिकल फील्ड में डॉक्टर अपना हॉस्पिटल्स में बहुत सारी हाईटेक मशीन्स होती है ना, कोई ये निकाल रहा है, अपना स्कैनिंग कर रहा है, कोई MRI निकाल रहा है, वो मशीन से इतनी बड़ी होती है, देख के डर लगता है, बट उसको हैंडल करने वाला भी तो चाहिए। डॉक्टर बैठ के हैंडल नहीं करेगा,
तो दे रिक्वायर सम काइंड ऑफ टेक्नीशियंस, ठीक है, तो दोज आर कॉल्ड एज पैरामेडिक, कहा गया, ठीक है, तो पैरामेडिक वो होते हैं, ठीक है, पैरामेडिकल टेक्नीशियंस, उसके लिए आप बायोमेडिकल पढ़ सकते हैं, नर्सिंग पढ़ सकते हैं, डीएमएलटी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी अच्छे खासे टॉप करियर्स है आज की दुनिया में, आपके फ्यूचर जिसमें बना सकते हैं, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी विल डोमिनेट द वर्ल्ड इन 2030, जैसे मैंने आपको बोला कि टेक्नोलॉजी डोमिनेट करेगी 2030 में, ठीक है। सो अगर आप टेक्नोलॉजी के कोई भी करियर में जा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्यूटर साइंस कैसे पढ़ेंगे आप? कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए आपको इंजीनियरिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, ये सारी चीज़ों में आपको इंजीनियरिंग मिल जाएगी, इसमें इंजीनियरिंग होती है, इसमें इंजीनियरिंग होती है, इसमें होती है, ठीक है, इसमें भी होती है, राइट, देन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग में होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले में होती है, ठीक है, 3D प्रिंटिंग में भी होती है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ठीक है, तो ये आप चीज़ें आप इंजीनियरिंग के से जा सकते हो। इसके अलावा आपको मैंने कॉमर्स के भी करियर बताए हैं, ये भी करियर बताए हैं, ठीक है, मेरा ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंजीनियरिंग करो, मैं आपको एक अवेयरनेस दे रहा हूँ, बट टॉप करियर्स अगर इंजीनियर्स के है तो वो भी मेंशन करना मुझे ज़रूरी है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी विल डोमिनेट द वर्ल्ड इन 2030, तो हाउ टू हेड टुवर्ड्स द न्यू वर्ल्ड, ठीक है, तो ट्वेल्थ के बाद में नए वर्ल्ड की तरफ हम कैसे जाए, ठीक है। तो ये एंट्रेंस एग्जाम से बहुत सारी, ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जाम से अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल JEE और NEET के अलावा अलग अलग मैंने एंट्रेंस एग्जाम्स यहाँ पे लिखी है जो आप दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन में जाना है, IISc की आप दे सकते हो एग्ज़ाम, ठीक है, साइंस एजुकेशन है, BSc MSc कर सकते हो साइंस में, ठीक है, साइंटिस्ट वगैरह बन सकते हो। ICER एप्टीट्यूड टेस्ट है ये, अगेन इसमें आप यू कैन स्टडी BSc MSc प्लस इंजीनियरिंग भी होता है इसमें, ठीक है, ये टाटा का है, ठीक है, टाटा ने स्थापित किया हुआ ये कॉलेज है, इंडिया का वन ऑफ द टॉप कॉलेज है IISc ICER, ठीक है, तो इसका जो नाम है ये एग्ज़ाम है इसकी ICER की, ठीक है, तो आप ये भी दे सकते हैं ट्वेल्थ के बाद, ठीक है। CUET है, पता है आपको, बहुत कॉमन एग्जाम है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस है, इसके तहत में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आती है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जा सकते हो, ठीक है, मतलब नॉर्मल कोई भी यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स करना है, BBA का करना है आपको, या BCom करना है, या क्या बोलते हैं उसको, फैशन का करना है कोर्स, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। BSc नर्सिंग के लिए आपको MST CET दे सकते हैं आप, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर में, क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो मैंने ज़्यादातर फोकस इसमें किया हुआ है, ठीक है। MST CET BSc ने एग्रीकल्चर स्टडीज़ के लिए भी आप कर सकते हैं महाराष्ट्र के लिए, ठीक है। डिज़ाइन में जाना है तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है, उसकी NEET दैट करके एग्ज़ाम होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, तो ये आप दे सकते हैं अगर आपको डिज़ाइन फील्ड में जाना है ट्वेल्थ के बाद। इसके लिए ज़्यादा नहीं, आपको 4-5 महीने का प्रिपरेशन चाहिए, ट्वेल्थ में आप ऑनलाइन भी पढ़ाई करके आप इनके एग्जाम्स दे सकते हो, ठीक है। थोड़ा कंपटीशन रहता है लेकिन डिज़ाइन वाले सेक्टर में भी, क्योंकि आपने अभी मतलब सुना होगा JEE की एक दुनिया है, NEET की एक दुनिया है, वैसी इन लोगों की भी अलग अलग दुनिया होती है ना, तो बड़ी क्रिएटिव लोग होते हैं ये डिज़ाइन में जाने वाले, ठीक है। फिर नाटा है, अगर आपको आर्किटेक्चर में जाना है, ठीक है, तो नाटा की आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर आयकर है, इंडियन काउंसिलिंग फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, आगे जाके ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो बहुत सारे कॉलेजेस है, मतलब नॉर्थ इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस है जिसमें आप जा सकते हो आयकर की एग्ज़ाम देके, ठीक है। IIST है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी, अगेन स्पेस में जिसको जाना है आगे जाके ये करना है, जैसे बाबा एटॉमिक सेंटर है, या फिर आपको अपना इसरो में जाना है, तो यू कैन स्टडी स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। और सिर्फ उसी में नहीं, यू कैन एक्चुअली स्टडी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, और आप प्लेन के इसमें भी काम कर सकते हो, जो विमान की मरम्मत करते हैं या उसको मैकेनिक लगते हैं विमान के, तो उसमें भी आप काम आ सकते हो, इट्स अ फुलफिलिंग करियर अगेन। हाँ, फिर UCED है, अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर डिज़ाइन, तो ये डिज़ाइन के लिए और एक एग्जाम है, UCED है और NEET DAT है। NEET DAT इज़ ओनली फॉर डिज़ाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एक कॉलेज है, जैसे IIT है ना,
वैसे डिज़ाइन का सबसे बड़ा कॉलेज है, जिसका जो नंबर वन कॉलेज है वो अहमदाबाद में, NID अहमदाबाद, ठीक है। तो उसके लिए वो एग्जाम्स है, NID 5 है इंडिया में, ठीक है। तो यूसीट के थ्रू आप अदर जो कॉलेजेस है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देन IPMAT है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। आपने IIM का नाम सुना है, IIM इंदौर में है एक IIM, उसका एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है 5 साल का, उसमें 12th के बाद बच्चों को लेते हैं, BBA और MBA पढ़ाते हैं और डायरेक्टली प्लेसमेंट कर देते हैं, तो बच्चा पूरा 5 साल के लिए IIM इंदौर का हो जाता है। तो वैसा अगर इंटीग्रेटेड कोर्स चाहिए आपको तो आप ये कर सकते हैं, IPMAT कर सकते हैं आप, ठीक है। तो IPMAT आप 11th 12th में आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने चंद्रपुर में तो नहीं, नागपुर में क्लासेस वगैरह होती है, तो IPMAT का आप करके वो आप, इसमें भी अच्छा कॉम्पिटिशन होता है बिकॉज IIM इंदौर है वो, राइट। हाँ ठीक है, तो वहाँ पे जाके आपका 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। जिसको स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट है, जिसको मतलब वांट टू गेट इनटू स्टैटिस्टिक्स फील्ड, तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, उसकी ISI की एग्जाम होती है, वो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है जो आप दे सकते हैं अदर, ठीक है। किसी के कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप, एनी क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इंजीनियरिंग की बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको इंजीनियरिंग के बारे में बताना चाहूँगा मैं, कि अगर आप इफ़ यू वांट टू गेट इनटू इंजीनियरिंग, तो स्टेट लेवल एग्जाम्स कौन कौन सी है, तो ये सारी है, HPCET हिमाचल प्रदेश की है, SRM की है, ठीक है, देन वेस्ट बंगाल JEE, LPU, NST, MSTCT महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र हेल्थ एंड टेक्निकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तमिलनाडु एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये सारी अपनी ये है, हम JEE के थ्रू आर्किटेक्चर में भी जा सकते हैं, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इंजीनियरिंग में ये स्टेट लेवल की एग्ज़ाम हो गई हमारी, फिर उसके बाद में मेडिकल में जाना है तो आपको नीट देना पड़ेगा, ठीक है। नीट में अराउंड 7 से 8 कोर्सेज आते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा डिफेंस में जाना है आपको, तो ये सारी एग्जाम्स है जिन बच्चों को डिफेंस में इंटरेस्ट है, ठीक है। 10th के बाद 12th तक एक अच्छा ऑप्शन होता है कि आप डिफेंस में जाए, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू बिकम अ मेजर और सम टू अ गुड ब्रिगेडियर लेवल इन डिफेंस इन कमिंग टाइम्स, सो पैशन है आपको आर्मी में सर्व करने का, तो डिफेंस का भी ऑप्शन आपके पास में ओपन रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप, अभी आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होंगी, कभी आप आइए मेरे साथ में बैठिए, मैं 10 से 7 बजे तक ऑफिस में रहता हूँ, तो कभी भी आप आइए, ठीक है, हम लोग पर्सनली भी बात कर सकते हैं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझसे तो, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा JEE के बारे में बात करेंगे, JEE के बारे में जानबूझकर आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग JEE, ठीक है। तो मेरा कहीं पर भी एजेंडा यही नहीं है कि आपको सिर्फ JEE के बारे में बताया जाए, मेरा एजेंडा सिर्फ इतना है कि आपको करियर गाइडेंस दी जाए और थोड़ा बहुत आपको हम भी क्या करते हैं और हम किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं वो बताया जाए। तो जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जो है ये 2 प्रकार में की जाती है, एक मेंस और एक एडवांस। इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, साथ ही साथ जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया में एग्जिस्ट करता है, वो JEE के बेस में अपने को एंट्रेंस देता है, ठीक है। अब फॉर ऑल इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए ये होता है, ठीक है। अब टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस कौन कौन से हैं इंडिया में JEE के थ्रू, ये 2024 की रैंकिंग है। तो IIT दिल्ली है, बॉम्बे है, मद्रास एंड IIT खड़गपुर जो है 3rd नंबर पे, कानपुर रूरकी एंड रौरकेला जो है ये 5वें नंबर पे, गुवाहाटी बिट्स पिलानी, हैदराबाद एंड ट्रिची, वाराणसी एंड पटना। अब आप देखेंगे कोई कोई पेरेंट्स का रहता है कि IIT में नंबर लगा, NIT छोटा है, ऐसा नहीं होता है, अलग अलग कॉलेजेस की रैंकिंग्स होती है, ठीक है, चाहे वो NIT हो, IIIT हो या IIT हो, ठीक है। कुछ कुछ NITs, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT से भी बेटर है उनकी रैंकिंग, उनकी उसकी पढ़ाई, उसका प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि IIT गुवाहाटी से बेटर NIT रौरकेला है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बिट्स पिलानी भी आ गया, बिट्स पिलानी का फुल फॉर्म है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ठीक है। तो ये जो है बिरला इंस्टीट्यूट, ये राजस्थान में है पिलानी, तो ये भी इंडिया के टॉप कॉलेज में आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया।
आईआईटी हैदराबाद है, एनआईटी ट्रिची है, ठीक है। अब ट्रिपल आईटी हैदराबाद भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है इंडिया का, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए इंडिया के, ठीक है। हमने टॉप 10 ही पकड़े हैं, बट बहुत सारे हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो एमएचटी सीटी की अगर आप बात करें महाराष्ट्र लेवल पे, सॉरी जेडब्ल्यू लेवल पे, आपके महाराष्ट्र के अपन कॉलेज की बात करें तो महाराष्ट्र में इतने कॉलेजेस हैं, ये टॉप के कॉलेजेस है, आईआईटी, आईसीटी, वीएनआईटी, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, वीएनआईटी विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो कि नागपुर में बहुत लोगों को पता होगा। विजय टीआई जो है ये वीरमाता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन है मुंबई का, फिर आर्मी इंस्टीट्यूट है, फिर डीवाई पाटिल है, विश्वकर्मा है, रामदेव बाबा अगेन नागपुर का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में आता है इंजीनियरिंग के अपने महाराष्ट्र में, देन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद। तो ये टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस है अपने महाराष्ट्र के, ठीक है। तो ये अपनी इंफॉर्मेशन जेडब्ल्यू के बेस पे होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए 2024 का जो जेडब्ल्यू का कट ऑफ कहाँ पे गया, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी का 93 पे गया, ठीक है। लेकिन आपका कास्ट का भी बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिल सकता है, इफ यू बिलोंग टू एसटी और एससी कास्ट यू शुड डेफिनेटली गो फॉर जेडब्ल्यू, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए एसटी का कहाँ पे गया, 46 परसेंटाइल पे, एससी का 60 परसेंटाइल पे गया कट ऑफ, ठीक है। तो यू आर एलिजिबल फॉर जेडब्ल्यू एडवांस इसके बाद, ठीक है। एडवांस के बाद ही आपको आईआईटी मिलेगा, लेकिन मेंस का हम लोग जो पकड़ रहे हैं, तो अगर आपको जेडब्ल्यू मेंस के बाद में एडवांस देना है, ठीक है, तो आपका कट ऑफ देखिए कम है, मतलब यू हैव टू एज पर कैटेगरी, सो यू आर एलिजिबल फॉर एडवांस। एडवांस देने का मौका मिल गया, मतलब आईआईटी की थोड़ा और नज़दीक पहुंच गया मैं, एनआईटी की थोड़ा और नज़दीक पहुंच गया, सो यू डेफिनेटली ट्राई फॉर ये, ठीक है। कट ऑफ के बारे में डिटेल में किसी और दिन बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, ब्रांचेस कौन कौन सी है अभी इंजीनियरिंग की, नए और पुरानी ब्रांचेस कौन कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कल जाके इंजीनियरिंग में नंबर लगता है तो कौन से ब्रांचेस के लिए ट्राई करना है, तो यू शुड गो फॉर ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस एक ब्रांच है, सीएस जिसको बोलते हैं। अब बहुत सारे कॉलेजेस में एआईएमएल भी आ गया है, ठीक है, पूरी की पूरी ब्रांच है एआईएमएल की, डेटा साइंस की भी ब्रांच आ गई है, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग पहले से ही था, अभी भी है और बहुत अच्छी फील्ड है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ठीक है, ये इसमें भी आप अपना बीटेक कर सकते हैं, बीटेक मतलब बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, ठीक है, ये ब्रांचेस है, ठीक है, ब्रांचेस मतलब समझते हैं ना एक कॉलेज में जो होती है ये। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल में और मैंने जैसे बताया आपको व्हीकल्स वाला पार्ट, उसमें भी बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें आ गई है, आर्किटेक्चर आ गई है। एक चीज़ आपको मेंशन करना चाहूँगा, अच्छे कॉलेज में जाने से फ़ायदा क्या होता है, अच्छे कॉलेज में ना सिलेबस अपडेट किया जाता है, जो सिलेबस होता है ना वो टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं अच्छे कॉलेजेस। अच्छे कॉलेज मतलब सिर्फ आईआईटी नहीं, टॉप 300 पकड़ लो, इंडिया के टॉप 300 कॉलेज के लिए एम कीजिए तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। एक इंग्लिश में कहावत होती है, शूट फॉर द मून, इवन इफ यू फेल यू विल फॉल ऑन द स्टार्स, मतलब आपको एम करना है आईआईटी का। आईआईटी नहीं भी मिला तो भी टॉप 300 कॉलेजेस में भी आप चले गए इंडिया के, तो भी आपकी लाइफ 4 साल बाद सेट है। ऐसा कोई दूसरा फील्ड नहीं है कि 4 साल में आपको 1-1.5 लाख रुपए की सैलरी ला करके देगा, ठीक है, 1-1.5 लाख 2 लाख की सैलरी आपको देगा, ऐसा दूसरा कोई फील्ड नहीं है। बीकॉम भी आपको 3 साल लगता है, बीएससी भी आपको 3 साल लगता है, बस इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे ये मिलता है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे सर बीए, बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करके खाली पीली बैठे हैं, 10-15 हज़ार की जॉब कर रहे हैं, तो अगेन स्किल्स क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है उनकी, ठीक है, कहाँ से किया हुआ, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। अगर अभी भी मैं चले जाऊँ, मुझे ये बाजू के कॉलेज में मिल जाएगा एडमिशन इंजीनियरिंग के लिए, किसी का नाम नहीं लूँगा मैं, बट मिल जाएगा कोई भी नॉर्मल कॉलेज में, 4 साल कर लूँगा, बट उसकी वैल्यू क्या है ना। तो अगर मैं वैल्यू क्रिएट करूँगा तो मुझे एक वैल्यूएबल कॉलेज मिलेगा, राइट, सो दैट यू नीड टू नो कि अगर मैं एक अच्छे कॉलेज से पढ़ूंगा तो डेफिनेटली कहीं पर भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो ये बहुत सारी है, डिज़ाइन इंजीनियरिंग है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल है, मैकेनिकल है, ठीक है, तो ऐसे ब्रांचेस अवेलेबल है, ठीक है। और ब्रांचेस भी मैंने ऐसे आपको बताए हैं, उसकी जो आज की जो ये है ना क्या बोलते रिक्वायरमेंट या जो पावर है ब्रांच की, उस हिसाब से मैंने उसको ये किया हुआ है, ठीक है।
तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ में आज के टाइम में आपको थोड़ा बहुत और कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, तब जाके यू विल हैव अ फुलफिलिंग करियर ऑप्शन, ठीक है। सीट मैट्रिक्स कितना होता है टोटल, देखिए सीट है टॉप के जो आईआईटी एनआईटी जो है उसमें पकड़ के 59,970, ठीक है, जिसमें आईआईटी की 17,000 है, एनआईटी की 24,000, ट्रिपल आईआईटी की 8,500 और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं जीएफटीआई उसकी 9,000 सीटें हैं, ठीक है। तो आप इसको ये कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ये बताऊँगा कि 59,000 सीट से तो डरिए मत आप, अगर टॉप के 2 लाख सीट भी आपको मिल जाती है ना तो यू आर इन अ गुड कॉलेज, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला टॉप 300 कॉलेजेस में आप भी जाते हो तो भी आप अच्छे कॉलेज में हो, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर 6 लाख बच्चे आईआईटी जेडब्ल्यूई की पढ़ाई कर रहे हैं ना तो 2 लाख बच्चे सीरियस है, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। तो आप खुद को किस कैटेगरी में डालते हो, 2 लाख सीरियस बच्चों की कैटेगरी में डालते हो या फिर 4 लाख नॉन सीरियस बच्चों की, क्योंकि इवन दो यू आर कॉम्पिटिंग विथ 6 लाख स्टूडेंट्स योर एक्चुअल कॉम्पिटिशन इज 2 लाख बिकॉज दे आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर इट, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो वो भी आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, ठीक है। तो ये लिस्ट ऑफ आईआईटीज है, ठीक है, कौन से आईआईटीज है तो मैं पूरा रीड नहीं करूँगा, आप देख लीजिए, ठीक है, और आपको ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर भी मिल जाएगी। हमारे इंडिया में 23 आईआईटीज है, 31 NITs है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अभी तो नागपुर तक के आ गए हैं कॉलेजेस, ट्रिपल IITs, NIT नागपुर, ठीक है, तो हमको ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ट्रिपल IITs है इंडिया में 26 है और 27वां अभी 27-28 अभी दो है जो है ये अभी इसका काम चालू है, तो ये भी ओपन हो जाएंगे, अभी तक हुई नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से है, ये सीट्स भी है इनकी, ठीक है, तो ये 26 गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस जो है ये इतने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, ठीक है, तो इनकी सीट्स भी है इसमें, ठीक है। नीट के बारे में बात करते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, ऑल इंडिया मेडिकल कोर्सेज, कौन से कोर्सेज आते हैं इसमें, ठीक है, तो इतने सारे कोर्स आते हैं नीट में, MBBS कर सकते, BDS कर सकते, BAMS कर सकते, BHMS कर सकते, नेचुरोपैथी में जा सकते, यूनानी हो गया, सिद्धा मेडिसिन हो गया, वेटरनरी एंड फिजियोथेरेपी, ठीक है। फुलफिलिंग ऑप्शंस कौन कौन से हैं बोलिए मैडम, नहीं बैठ के बोलिए ना, स्टूडेंट थोड़ी हैं आप। हाँ उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, स्पेंड तो करना पड़ेगा, क्योंकि नीट इट टेक्स यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर इस दुनिया का सबसे रेस्पेक्टेड प्रोफेशन है, इवन जो पावरफुल से पावरफुल आदमी भी अगर बीमार पड़ता है तो उसको डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। तो अगर आपको दुनिया का सबसे एस्टीम्ड प्रोफेशन में जाना है तो उसके लिए एस्टीम्ड परसिवरेंस की जरूरत पड़ेगी, कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ेगी। आज अगर आपको अपने को डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो सबसे बेस्ट आप ये ट्राई कर सकते हैं कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिले, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो फीस कम लगेगी, ठीक है, या नहीं लगेगी। दूसरा चीज़ ये है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत चीज़ें मिलेगी, गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है आते ही रहते हैं पेशेंट, तो आपकी प्रैक्टिस इतनी परफेक्ट बनेगी, जो भी डॉक्टर गवर्नमेंट GMC से पास आउट है ना वो गवर्नमेंट वो डॉक्टर एक्चुअली बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ही इज़ वेल प्रैक्टिस्ड, ठीक है, वेल एक्सपर्ट डॉक्टर है वो है। और आप MD या MS कर सकते हैं, ठीक है, तो जितना टाइम देखो कैसा होता है उसका रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन इतना बड़ा है ना, मतलब उसका जो रिजल्ट है आउटकम है एक डॉक्टर का इतना बड़ा है ना कि उतना टाइम तो हमको देना ही पड़ेगा उसको बनने के लिए। मैं पर्सनल मेरी दोस्त की बात करता हूँ, आई एम 33 रनिंग नाउ, अभी 1-1.5 साल पहले मेरे दोस्त ने उसका ये सेटल किया, आज मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा फ्रेंड जो मेरे साथ में तब हमारे टाइम पे AIEEE होता था मेडिकल के लिए, तो अभी वो डॉक्टर बन के आके अभी 1-1.5 साल पहले उसने अपना हॉस्पिटल बनाया है, अब ही इज स्टार्टिंग नाउ, बट आने वाले 5 साल में वो कहाँ होगा मैं कहाँ होऊंगा,
तो बड़े ही टाइम लिया उसने, बट आज उससे बात करते समय भी हम एक रिस्पेक्ट के साथ बात करते बिकॉज ही इज अ डॉक्टर, राइट? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज अग्रवाल जो राजकुमार सर है, ठीक है, अग्रवाल सर के भाई, ही इज एन MBBS MD डॉक्टर. उन्होंने भी अपना बहुत ज़्यादा ये किया, यू नो, सेक्रीफाइस किया. ही इज़ इन कुवैत राइट नाउ, ठीक है, तो बहुत अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं वो, ठीक है. तो जो उसका रिवार्ड है, मतलब उसका जो रिजल्ट है, आउटकम है, वो इतना अच्छा है कि उतना टाइम तो अपने को देना पड़ेगा. देर इज़ नो, देखो, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है उसमें, ठीक है. तो हमको ये देखना है कि ठीक है, मेरी उतनी कंसिस्टेंसी है क्या, या मैं उतना करना चाहती हूँ क्या. तो ये डिपेंड करेगा आपकी डिसीजन मेकिंग पे कि रियली आई डू वांट टू बिकम अ डॉक्टर और नॉट, ठीक है. नहीं तो आपको अगर सिर्फ डॉक्टर बनना है या आपको एक डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आप MBBS ना करें. आपको शॉर्ट टर्म चाहिए तो आप BAMS में जाइए, ठीक है. BAMS आपका 5 साल में हो जाएगा, 5-6 साल में, ठीक है. BAMS भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है. मैं यही बता रहा था आपको कि इसमें से फुलफिलिंग ऑप्शंस कौन कौन से. आज फिजियोथेरेपी भी एक बहुत फुलफिलिंग ऑप्शन है, बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी, ठीक है. ये भी 4.5 साल का कोर्स है. तो फिजियोथेरेपिस्ट बहुत कमाते हैं आजकल, फुलफिलिंग करिए. आप रेडियोलॉजी बन जाइए ना, रेडियोलॉजिस्ट में चले जाइए, MBBS कर लीजिए. हाँ ना, ईजी नहीं है, करेक्ट, ओके. ओके ओके या ऑब्वियसली. हाँ ओके राइट. दैट नॉट दैट इजी, करेक्ट. यस, करेक्ट करेक्ट, ठीक है. तो जैसे मैम ने बोला कि अगेन दैट इज ऑल्सो नॉट इजी, रेडियोलॉजी, राइट. सो वो फुलफिलिंग करियर इतना है कि द होल थिंग इज दैट वी हैव टू गिव दैट मच उसके लिए टाइम. वी हैव टू गिव टाइम, वी हैव टू गिव दैट परसिवरेंस, ठीक है, दैट यू नो डेडिकेशन टू द स्टडीज, ये हमको करना जरूरी है. देन वी हैव टू, अदरवाइज इफ यू डू नॉट हैव दैट परसिवरेंस, देन वी हैव टू लुक बैक इन टू द डिसीजन मेकिंग, ठीक है. अब जैसे मैम ने बोला कि वो इतना लंबा है, उसी में जवाब मिल गया है ना. तो अगर बोल रहे हैं कि, लेकिन अगर वही है कि डॉक्टर बनना है, देन यू कैन गो फॉर BAMS, ठीक है. BAMS भी एक अच्छा ऑप्शन है. अब BAMS को भी यू नो MS का ऑप्शन दिया है, मास्टर इन सर्जरी का, सर्जरी का भी उनको आज ये मिलता है, ठीक है. तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है. और फिजियोथेरेपी भी एक फुलफिलिंग ऑप्शन है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, कोई और क्वेश्चन है आपके? वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रही, मम्मी को पूछ रही है, मम्मी आप पूछो. चलो कोई नहीं. अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या, ठीक है, कोई नहीं, अपन बैठेंगे. पिछले बार भी मैडम के साथ में बैठा था काउंसलिंग के लिए, ठीक है. तो वी विल हैव अ डिस्कशन आफ्टर दिस, ओके, ठीक है. तो MBBS अगर आपको करना है, MBBS MDD, तो ये करियर पाथ है. BAMS में MD और MS मैंने सिर्फ एक दो ही लिया है इसमें, ठीक है, क्योंकि जनरलाइज नहीं करना है इसको मेरे को बहुत ज़्यादा. नीट हैज़ टू बी डिस्कस्ड वेरी पर्सनली, ठीक है. तो ये PGIMR जो है, ये चंडीगढ़ का कॉलेज है, एक बहुत बढ़िया, जहाँ पे MS वगैरह आप कर सकते हैं, ठीक है. अब टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस है ये, एम्स दिल्ली, फिर PGIMR चंडीगढ़, CMC क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, निमांस है बैंगलोर, जिपमर है, ठीक है. तो ऐसे ये अपने मेडिकल कॉलेजेस है, ठीक है, टॉप 10 के. महाराष्ट्र में कौन कौन से है? AFMC पुणे है, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज है, GSMC है मुंबई में, MGIMS वर्धा, अपना वर्धा वाला जो है वो भी एक अच्छा कॉलेज है, LTMMC, BGMMC पुणे, GMC नागपुर, भारतीय विद्यापीठ, TMMC मुंबई, MUHS नासिक. तो ये काफ़ी प्रचलित कॉलेजेस है महाराष्ट्र के, ठीक है. MHTCT अगेन महाराष्ट्र हेल्थ एंड टेक्निकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, आप इसमें 4 अलग अलग कोर्सेज के लिए जा सकते हो, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर और नर्सिंग कोर्सेज के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है. अब ये टॉप 10 महाराष्ट्र के कॉलेजेस है इंजीनियरिंग के, ICT है, ठीक है.
इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, वहाँ से केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप। COEP है पुणे में, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, अगेन अ बेस्ट कॉलेज, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। वीर माता जीजाबाई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, तो ये बहुत सारे कॉलेजेस है, ठीक है, जो कि टॉप इसमें आते हैं, ठीक है। SPIT है, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये MIT है, WPU वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे, तो ये अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है हमारे इसमें महाराष्ट्र में। ओके, थैंक यू। जान छुट गई यार, हो गया खत्म। तो कोई डाउट से तो पूछिए। एनी डाउट्स इफ यू हैव यू कैन आस्क। यस प्लीज। एंट्रेंस एग्जाम्स में कट ऑफ कैसे वर्क करता है, ठीक है, बहुत थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, इसका मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा, बट आई कैन गिव यू अ लिटिल साइकोलॉजी ऑफ इट, ठीक है। परसेंटेज और परसेंटाइल होता है, ठीक है, तो कैटेगरी वाइज होता है पहले, एक तो किस कैटेगरी में आप रहते हैं उस कैटेगरी वाइज का एक आपका होता है। साथ ही साथ क्या होता है कि अगर कोई पर्सन है उसको 100 आउट ऑफ 80 मार्क्स मिले, आपको भी मिल गए मुझे भी मिल गए, तो हमको, और 80 इज़ द टॉप मार्क, तो हमको फर्स्ट रैंक देना पड़ेगा दोनों को भी, ठीक है। तो फर्स्ट रैंक दे देंगे तो दोनों फिर रैंकर हो जाएंगे, तो इसलिए वो क्या करते हैं परसेंटाइल में कन्वर्ट कर देते हैं उसको। तो परसेंटाइल की वजह से, परसेंटाइल इज काइंड ऑफ इट्स अ स्टैटिस्टिकल डेटा, ठीक है, जहाँ पे उसको कन्वर्ट करके एज पर द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स वो उसकी रैंकिंग बनाते हैं फिर, कि ये रैंकिंग ऐसा है ये इसका। तो हो सकता है कि इवन यू गॉट 80 मार्क्स, आई गॉट 80 मार्क्स, 80 वॉज द टॉपर, यू आर द फर्स्ट टॉपर, आई एम द सेकेंड टॉपर, वाई द डेटा विल डिसाइड देन, ठीक है, जो स्टेटिस्टिकल डेटा है उससे वो डिसाइड किया जाता है। दैट इज़ अ जनरल यू नो एल्गोरिदम टू कैलकुलेट रैंकिंग्स एंड द कट ऑफ्स, ठीक है, बट एग्जैक्टली कट ऑफ कैसे कैलकुलेट करते हैं दे डू नॉट डिस्क्लोज इट, ठीक है, वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन इट, जैसे अभी नीट का जो भी हुआ तो देर वेर क्वेश्चन आस्क्ड कि वाई डिड नीट के ये ऐसा हुआ, बहुत ज़्यादा अभी आपको पता है नीट वाले बच्चे का भी स्ट्रगल करना पड़ा उनको इस साल, ठीक है, तो वो सब चीज़ें हुई। सो आई होप कि आने वाले समय में वो लोग डिस्क्लोज करें कि हाउ डू दे कैलकुलेट यू नो कट ऑफ्स, तो वी जस्ट गेट दी फाइनल डेटा कि इतना इतना कट ऑफ गया है, ठीक है। एंड एज अ करियर काउंसलर्स वी कैन गाइड द स्टूडेंट्स कि आने वाले समय में कितना कट ऑफ जाएगा, क्योंकि हम भी डेटा पे काम करते हैं। मैंने देखा कि 6 लाख बच्चे, 7 लाख बच्चे इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसमें से 3 लाख बच्चे सीरियस होंगे, ठीक है, पिछले साल इतने थे, तो हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि हर साल बच्चे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं या क्या हो रहा है, तो उसके हिसाब से देन कट ऑफ कितना जाएगा, इतने बच्चों में इतना कट ऑफ गया है, ठीक है, तो कैसा जाएगा, जनरल आइडिया लगाते हैं। बट उसकी कोई एक्सपर्ट थ्योरी नहीं है दैट आई कैन टेल यू कि हाउ द कट ऑफ इज एक्चुअली कैलकुलेटेड, दैट इज़ नॉट डिस्क्लोज टू एनी वन बाय द NTA और द पीपल आर कैलकुलेटिंग इट, ठीक है। यस यस, बिकॉज द पीपल हु आर अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन आर इंक्रीजिंग, कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग, जितना कॉम्पिटिशन बढ़ेगा उतना कट ऑफ बढ़ेगा, है ना। आज हाँ, यस, एवरी ईयर द कट ऑफ इज इंक्रीजिंग, वाई, बिकॉज जनरली इफ ऑल्सो आई एम नॉट सीरियस इनफ टू क्लियर नीट, स्टिल आई एम अप्लाइंग फॉर नीट, ठीक है। हाँ, तो जो इससे क्या होता है कि जो सीरियसली पढ़ाई कर रहा है उसके लिए बार थोड़ा ऊपर सेट हो जाता है, द बेंच मार्क फॉर हिम इंक्रीजेस विद टाइम, सो दैट इज वॉट इज हैपनिंग एंड विच इज वाई द कट ऑफ इज एक्चुअली पुशिंग फॉरवर्ड, ठीक है, ये चीज़ें हैं, राइट। कोई और कोई क्वेश्चंस आपके? हाँ मैम, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। CBSE लेना है 11th में या स्टेट बोर्ड लेना है? मैडम का क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट को अगर नीट या JEE लेना है तो CBSE लेना है या स्टेट लेना है, ठीक है। सबसे पहली बात, आपके प्रोफेशनल लाइफ में कहीं पे भी आपको ये सवाल नहीं आएगा
कि आपने स्टेट लिया था या सीबीएसई लिया था। प्रोफेशन मतलब जैसे मैंने आपको बोला प्रोडक्टिविटी कम्युनिकेशन, जो भी आपका प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है, ठीक है। अगर आप अभी के टाइम पे ऐसा सोचते हैं कि नहीं मेरा बच्चा सीबीएसई में पढ़ना चाहिए या मुझे सीबीएसई करना है, ठीक है, तो उससे प्रॉब्लम ये आएगी आपको। 11th में आपने सीबीएसई ले लिया तो सीबीएसई का रूल है कि आपको मॉर्निंग से इवनिंग तक क्लासेस करना है, ठीक है, तो वो मॉर्निंग से इवनिंग तक क्लासेस करेगा, आपने 2 बजे 3 बजे तक स्कूल जाएगा। उसके बाद में वो JEE का प्रिपरेशन करेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे तो प्रैक्टिकली उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि एक पर्सन एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है ना, राइट। आई कैन नॉट बी प्रैक्टिकली प्रेजेंट हियर इन द क्लास एंड ऑल्सो इन द ऑफिस, ठीक है। तो मैं एक तो अपने क्लासेस में रहूँगा या फिर मैं स्कूल में रहूँगा, है ना। तो फिर उसके बाद एक्सपेक्ट करना कि बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे, तो हम उस पर ज़्यादा नहीं कर रहे हैं बच्चे पे, ठीक है। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरा चीज़, क्या लॉन्ग टर्म में मैटर करता है? बिल्कुल नहीं करता, ठीक है, कि आपने 11th 12th में सीबीएसई लेना चाहिए, बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपके एंट्रेंस टेस्ट में क्या मार्क्स आए हैं, ठीक है। हाँ, कैटेगरी वाइज इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपको 12th में 75% तो आने ही चाहिए, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर JEE तो 75% आपके 12th में होने चाहिए, अदरवाइज आपने ऑल इंडिया रैंक 1 भी ला लिया तो भी आपको IIT में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो उसके लिए इवन इफ़ यू ब्रिंग दैट 75% मार्क्स इन योर स्टेट ऑल्सो ना, स्टेट बोर्ड में भी, तो भी चलेगा, नॉट रिक्वायर टू गेट CBSE, ठीक है। और क्या फ़ायदे हैं? CBSE इज मच काइंड ऑफ एक्सपेंसिव, ठीक है, स्टेट बोर्ड से लेकर के, तो आपको थोड़ा सा पैसा बच जाता है, ठीक है। और बच्चे को ना 11th 12th क्लियर करने का उतना स्ट्रेस नहीं होता जितना CBSE में होता है, हर एक क्लास करो, हर एक पढ़ो, ठीक है। स्टेट बोर्ड में क्या है, आपको क्लियर करना है, मिनिमम 75% मार्क लेना है। इसका मतलब ये नहीं है कि 90-80% नहीं लेना है, मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम फर्स्ट डिवीजन के साथ पास होने के लिए, ठीक है। बट आपको कॉलेजेस में लगने के लिए आपको सबसे ज़्यादा मैटर करेगा कि आपकी रैंकिंग क्या है आपके गोल की, JEE की, ठीक है। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब एक सवाल बनता है सर, JEE का तो जो आता है ना सिलेबस, वो तो NCERT का आता है, और NCERT का तो इसमें भी आता है, CBSE का आता है। प्रॉब्लम यह है, सिलेबस अगर ये आता है तो कितना परसेंट मुझे हेल्प कर रहा है CBSE में पढ़ना JEE में, तो इट इज़ मेयर 20%, ठीक है, 20-30%। वाई? बिकॉज JEE एक एग्ज़ाम है जिसमें बच्चे की मेंटल स्ट्रेंथ एप्टीट्यूड को जांचा जा रहा है बेस्ड ऑन हिज नॉलेज, ठीक है, बेस्ड ऑन हिज नॉलेज। तो नॉलेज का जो अप्रोच है ना यहाँ पे चेंज हुआ है, पूछने का सवाल पूछने का जो अप्रोच JEE में है और जो हमारे एग्जाम्स में बोर्ड में होता है CBSE बोर्ड में, वो बहुत अलग है। तो नॉलेज ग्रहण यहाँ पे भी कर रहा है, वहाँ पे भी कर रहा है, लेकिन उस नॉलेज का जो अप्रोच है यूज़ करने का, पूछने का सवाल, तो JEE का अलग है। वो एप्टीट्यूड के लेवल पे पूछ रहे हैं, बच्चे के ब्रेन के कैपेबिलिटी को चैलेंज कर रहे हैं। यहाँ पे वो थ्योरी के बेस पे पूछ रहे हैं कि बच्चे को पास करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए होता क्या है कि थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है बच्चे का CBSE में, ठीक है, क्योंकि उसको दोनों अप्रोच पढ़ने हैं, 11th 12th का भी अप्रोच पढ़ना है और JEE का भी अप्रोच पढ़ना है, ठीक है। नहीं, स्टेट बोर्ड एक्चुअली बहुत इजी हो जाता है उनके लिए, इजी हो जाता है, स्टेट बोर्ड इज मच इजियर देन CBSE, ठीक है। तो वो चीज़ है, क्योंकि मैं 12th को इंग्लिश पढ़ाता हूँ हमारे यहाँ पे, तो इट इज़ मच मोर इजियर देन CBSE, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रैक्टिकल कोई भी चीज़ को प्रैक्टिकल, CBSE भी और स्टेट भी इंग्लिश में रहता है, ठीक है, तो वो तो इंग्लिश में ही रहता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं आता। स्टेट बोर्ड इज इजियर देन ये, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि जो बच्चे 10th में 9th में जो चीज़ें CBSE में पढ़ चुके होंगे ना, वो चीज़ें भी उनको 11th के स्टेट के बुक्स में मिल जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा CBSE टफ है स्टेट से, तो 11th 12th में उनको वो टफ नहीं लगता बिल्कुल भी। आप चाहे तो इसका एक प्रैक्टिकल करके देखिए, किसी बच्चे से पूछिए, जो बच्चा CBSE से 11th में
ट्रांजिशन किया है स्टेट में, आपके पहचान में, उसको पूछिए कि टफ लगता है क्या स्टेट, बोलेगा नहीं लगता है उतना, क्योंकि ऐसा कोई सिर्फ अभ्यासक्रम अलग अलग है, सिलेबस अलग अलग है, बट इट इज़ नॉट टफ देन CBSE. ठीक है, और कोई क्वेश्चंस? मेरे पास तो टाइम है, कोई दिक्कत नहीं, आपको बैठना है. कोई क्वेश्चंस, आपके कोई क्वेश्चंस बेटा? हमको तो बोला था बैठो, आके तो हम बैठ गए, अब हम क्या सवाल भी पूछेंगे हम? कोई और सवाल? एनी क्वेश्चंस? नो. ठीक है, ओके देन. आई एम रियली थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर. आपने अपना कीमती समय दिया, मेरे ख्याल से आपको भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला होगा इस प्रेजेंटेशन से. ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप यहाँ पे आए. और आपको इन फ्यूचर कहीं भी कोई डाउट रहता है या कुछ आपको एक पर्सनल काउंसलिंग की ज़रूरत है तो मैं ऑफिस में ही हूँ. ठीक है, आप आके हमसे बात कर सकते हैं. ठीक है, कभी भी. राइट, थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू मैडम, थैंक यू. आप आइए मैडम, जब भी आपको डाउट्स आते हैं ना, आप लेके आइए. आप अपनी, आपने बोला था ना कि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, बैठेंगे मैम बिल्कुल. थैंक यू मैम. बोलिए ना.